हेलो भाई, तने स्वागत है। आदित भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, स्वागत है भाई सबका। वेलकम वेलकम। बस स्टार्ट करते हैं आज का। जदेश जदनेश भाई, जदनेश भाई स्वागत है आपका स्ट्रीम पे। और चलो देखते हैं आज क्या करना है। आज तो डे टू है सेमीफाइनल्स का, तो आज बहुत मजा आएगा। आज भी काफी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। और क्या क्या करना था, टीसी पे इन्फॉर्म करना है लोगों को कि मैचेस हैं आज आपके। साक्षी जैन, हेलो भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, स्वागत है आपका भाई। क्या हाल चाल आपके। वेट अ मिनट, मैं सब मर जाओ, क्या हुआ, क्या हुआ निंजा, सबको क्यों मार रहा जबरदस्ती। निंजा ही मर गया बेटा। चलो स्टार्ट करें गेम। सुमेश यादव भाई, सुमेश भाई आपका स्वागत है। सुमेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। और डीसी के रुक चलो, डीसी इन्फॉर्म करना है हमको कि कौन 11 मैसेज कर डाला हमको खट्टा। सुमेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। एक मिनट, ग्रुप लिस्ट आज कितना, ग्रुप ए ग्रुप एक ग्रुप में डीसी पर लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि आज ग्रुप ए और डी का। मिनट भाई स्टार्ट कर दो जल्दी। स्टार्ट तो कर दिया। अरे मेरा रूम नहीं है ना, अरे ये रूम भाई वो वाला सोलो वाला है ना, सोलो वाला रूम है। स्ट्रीम डिले नहीं रखना आपने आज। नहीं आज स्ट्रीम डिले नहीं रखा मैंने कुछ रीजंस की वजह से। तो रूम में हम चले गए हैं। मेरे को ऑब्जर्व में कब डालेगा, रखा है स्ट्रीम डिले है, मैं अभी बढ़ा दूंगा, बीच में बढ़ा दूंगा स्ट्रीम डिले। मिनट के कहाँ गए भाई सब, मैंने गलती से ऑब्जर्व में ज्वाइन हो गया था। अच्छा रिकॉर्डिंग रुकी क्यों नहीं है गेम की, स्ट्रीम लैप्स हो गया इसकी, क्या हो गया है ज्वाइन कर दिया क्यों भाई, गलती से गलती है आपके यार। आप ऑब्जर्व में जो दोबारा ज्वाइन करो, ऑब्जर्व किसी को नहीं आने दिया जाएगा ना, ऑब्जर्व से किक किया जाएगा, गलती आपकी है। लो गलती आपकी है, आपको ऑब्जर्व में नहीं ज्वाइन होना चाहिए था यार।
फ्लैगोमन गया है स्किल चेंज करने। वेट अ मिनट, फ्लैगोमन को दोबारा बुला लो। कहाँ गया फ्लैगोमन? नॉटेक गेमर, हेलो भाई नॉटेक गेमर, स्वागत है आपका स्ट्रीम पे। ओके सो भाई आप प्लीज मुझे ले लो। भाई मैं कैसे ले लूँ यार, आप जिन्होंने रूम बनाया है, ऑब्जर्व में आने की गलती आपकी थी ब्रो। आज आपको गलती समझा करो, आप भूल गए। भाई पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड नहीं दे सकता भाई, गेम डॉट पी पे डेली मिलता है। गेम डॉट पी पे आपको डेली रजिस्टर करना होगा, और आप जीतते हो उसमें 75 रुपीज और वीकली का प्राइजेस रहते हैं, तो आप कुछ भी जीतोगे तो उसमें मिलता है। भाई सार्थक अब लास्ट मोमेंट पे चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, आपको खेलना पड़ेगा उसमें। लास्ट मोमेंट पे चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, मैंने पहले ही बोला था उसी हिसाब से ग्रुप दिए गए हैं आप लोगों को। आपने खुद चेंज करवाया था ग्रुप का मेरे को, अब ग्रुप नहीं चेंज होगा ब्रो। मैच होने के बाद ग्रुप चेंज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मैच फर्स्ट मैच खेल लिया उसके बाद ग्रुप चेंज करवाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ग्रुप चेंजेस नहीं हो सकते हैं भाई। पासवर्ड नहीं बता सकता ना यार, पासवर्ड केवल उनको मिलता है जो गेम डॉट टी पे रजिस्टर करते हैं। आपको गेम डॉट टी पे डेली रजिस्टर करना होगा। देखो मैंने नहीं हो सकता सार्थक भाई, अब ग्रुप चेंज नहीं, एक मैच खेलने के बाद ग्रुप थोड़ी चेंज हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो यार। पर छोड़ दूंगा भाई, म्यूट करा होता कभी तो। सार्थक भाई अब थोड़ी चेंज हो सकता है यार, आप कहोगे कि मतलब बाद में आएंगे हम, ऐसे थोड़ी सीन होता है कि यार एक मैच खेल लिया इस ग्रुप में, दूसरा ग्रुप किसी और ग्रुप में जाके खेलेंगे, ऐसा थोड़ी सिस्टम है यार। ऐसा सिस्टम होता तो ये भाई पहले ही मैंने आपको बताया था कि भाई आपको जिस टाइमिंग आपको दी अपनी टाइमिंग देख लो, पहले ही बोला था भाई। आप लोग कल कल नहीं बोला तो हलचल कैसी है? ऐसा मतलब हलचल कैसे है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। कल ही बोला था, कल किससे बोला था भाई? कल, अब कल मैच हो गया उसके बाद आप लोग बोलोगे यार। उस दिन जब आपसे टाइमिंग आपसे ग्रुप से ग्रुप पूछा जा रहा था कि भाई ये ग्रुप आप लोग को ठीक है, तब आके आप लोगों ने क्यों नहीं बोला यार? उसके बाद तो उन्होंने चेंज किए ना ग्रुप, जिस दिन आप लोग आए थे चेंज करवाने के लिए, उन्होंने बुलाया था उसको, उस दिन तो चेंज हुए थे ना, उसके बाद क्या दिक्कत है? तो भाई ये अब आप लोग का इशू है ना सार्थक भाई, ये हम लोग का इशू थोड़ी है यार। आप लोग को जैसा बोला मैंने वैसे ग्रुप कर दिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपको चेंज करना, तो यार बार बार चेंजमेंट थोड़ी हो पाएगा ना यार, हम किस टीम को एडजस्ट कर दें? सब टीमों ने अपने अपने टाइम दिए ना कि हमको इस ग्रुप पे डालो, हमको इस ग्रुप में डालो, हमें ये इस टाइमिंग पे खेलना। सब ग्रुपों ने एडजस्ट किया, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ। हाल चाल कैसा भाई? बहुत बढ़िया विजेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गब्बू भाई हमारे फाइट ले रहे हैं, अपनी स्कार चलाएंगे, और अच्छे गब्बू भाई। डेथ क्लिकर एफएफ भाई स्वागत है आपका। चेंज करना था यार, बार बार चेंज थोड़ी हो पाएगा यार, तो एडजस्ट कर दिया। अपने टाइम दिए ना कि हमको इसको फॉलो। भाई फ्लाइगोमन कहाँ शॉट ले रहा है, दीवार में मार देगा क्या? आई फ्लैगन बेचारा, आई ब्रो बरोबर भाई, बिल्कुल बरोबर भाई, बरोबर बिल्कुल सही बात है भाई। जो आपको टाइमिंग दी गई तो आप लोगों को खेलना चाहिए उसी टाइम पे, वहां पर टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई यार। एक टाइमिंग एक बार आप लोगों को चेंज करने का पूरा मौका दिया कि भाई टाइमिंग्स देख लो, उस हिसाब से एडजस्ट कर लो। हर दिन आप कहोगे टाइमिंग चेंज कर दो तो नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं भाई। टूर्नामेंट खेल रहे हो, मजाक नहीं हो रहा है यार।
नॉट आर्मी, हेलो नॉट आर्मी, क्या हाल चाल आपके? नॉट आर्मी से कौन आया ये बताओ पहले। नॉट आर्मी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब नूब है आपके गिल्ड में। लो ना भाई, गिल्ड के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अरे निंजा, डीसी आ, डीसी बैठा हूँ मैं। सॉरी, डेथ क्लिकर FF, भाई गिल्ड के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी आपको। 138 11 273, ये गिल्ड आईडी है हमारी। आप रजिस्टर कर, मतलब डाल सकते हो रिक्वेस्ट। मुरतल के सामने बंदा क्या लिखा भाई? नॉट टेक गेमर भाई, बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक ये पंजाबी लैंग्वेज है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ मोर्टल की फाइट होती है, मुरतल भैया हमारे, देखते हैं कितना अच्छा निकाल पाते हैं। भाई आपको बिग फैन, भाई बिग फैन की बात नहीं यार, बट जो चीज़ है आपको रिक्वेस्ट तो डालनी पड़ेगी गिल्ड में हमारे, रिक्वेस्ट तभी आप अंदर आ पाओगे। गॉड्स एंड गेमर, स्वागत है गॉड्स एंड गेमर आपका स्ट्रीम पे, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। लड़का भाग रहा है निंजा। अच्छा नॉट आर्मी से निंजा आए। और निंजा भाई क्या हाल चाल आपके? मोर्टल की फाइट हो रही है, मोर्टल देखते किससे फाइट ले रहा है मोर्टल। और मोर्टल को बहुत डैमेज पड़ा, मोर्टल खत्म होने वाले, मोर्टल खत्म। एच के पहाड़ी पीरो प्लानुष, पंकज भाई मार। एक मिनट पंकज भाई, किसके साथ घूम रही हो? यश के कुछ अच्छे शॉट दिखे हैं। आ डीसी पर अनिश नेम से हूँ। ओके जबरदस्त ओपी उदय, ये बहुत पीरो मानुस है, बहुत पीरो मानुस है, बहुत पीरो मानुस है ये, बहुत पेलता है भाई। हमको बहुत मारा था इसने, बहुत मारा था यार सीएस के कस्टम में। खुद ही एलिमिनेट हो गया डेड शॉट, कहता मुझे नहीं खेलना भाई, मुझे लड़ने नहीं इससे, बहुत मारेगा मेरे को। राइजिंग स्टार को फिर टाइम चेंज करवाना है यार, किसकी टीम है? राइजिंग स्टार सार्थक। ये लोग उस दिन ये आया था ना सार्थक, कि हम लोग कहा था कि इसी ग्रुप में डाल दो, हमने इससे पूछा था हम लोगों ने। टीम कोड दोगे भाई? नितिन भाई मैं नहीं भेजूंगा ना, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। गिल्ड आईडी में दे दे रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। 11 200, नहीं जानते किसी को अभी, देखूं उसको इतना समझाया फिर भी वो बोलता भैया गलती तुम्हारी है। क्या चीज इन जाइंट्स? मैंने बोला भाई मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी। अरे युगल भैया आ गए तुम, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी कि हम रूम में बैठे। हाँ एक सिंगल वर्ड की हमारी मिस्टेक की वजह से उस सिंगल वर्ड को पकड़ के बैठ गए हैं। मैं उसको वही बोला, तेरा मैच था 6:30 का और तो 6:30 7 का स्टार्ट टाइम कैसे दे सकते हैं? बोला भाई तुमने कहा कि यार बोलते साढ़े, बाकी, मैंने बोला बाकी 11 टीमें आ गई सिर्फ तेरी टीम ही है, अब तो गलती किसकी है? और भाई बोलता उसके वो 11 में से कोई और भी होता है ना तो उनका भी सेम आंसर होता। मैं अब उसको बोला अब ज्यादा बोलूंगा तो फालतू में 18+ हो जाऊंगा, मैं नहीं नहीं वाट तो लगा दूंगा बोला इसकी। नहीं। अच्छा चलो वो सब चलो ठीक है, मैंने गलत दे दिया। उसके बाद मैंने जब टैग किया भाई, लास्ट 2 मिनट तुम्हें रिप्लाई करना चाहिए था ना, वहां पे तुरंत रिप्लाई करना चाहिए भाई मैं आ रहा हूँ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बताओ। हे भाई ये यश नुबड़ा है, सर जी नुबड़ा लड़ाई लड़ाई क्यों क्यों कर रहे हो? लड़ाई नहीं बात करे भाई। टीम कोड दोगे राजस्टार भैया? टीम कोड का तो आज पॉसिबिलिटी बहुत कम ही दिख रही है भाई। वीकली कब मिलेगी, कब कल जी कल कल टीम कोड आया ये कल मेरे को ही पूछना, वीकली कब मिलेगी? वीकली कब मिल लिया? जीते कब थे ये बताओ? ना अरे अन्नी भाई जीते थे, अन्नी भाई मेरे को बार बार कह रहे हैं नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा अहमदाबादी गेमिंग हाँ भाई, मैं नहीं बोला स्वागत है उसमें। भाई। जब अरे ये बताओ ना MP40 अच्छी आ ली? आई कहाँ अभी? हाँ अरे वैसे अच्छी है क्या? डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर है। आई कहाँ है अभी? अरे आएगी ना, यूट्यूबर से तो कर दिया ना उसका रिव्यू, हाँ हाँ अरे यूट्यूबर्स तो कर देंगे, उनको तो पहले मिल गया। आ जाएगी 20 तारीख को आ रहा है। आ जाएगी अरे भाई, आज ही आएगा, आज ही आ आएगा, जाएगी रात को 12 बजे, रात 12 बजे 20 को आएगी। ये साला हरामी मनुष्य टीम अप करता है। अरे यार इनको निकालो यार, मैंने तो आपके देखा था टीम अप करते बहुत लोग। रुको रुको जरा इसका चलो नाम, मैं अभी टीम, अरे अभी मैं खरगोश और मैं वही डिसाइड कर किए थे कि अब टीम अप करके यस मारेंगे, लेकिन नहीं नहीं इसका नाम क्या है? यस है ना, साला मेरे को यस स्पेक्टेड में डाल दिया। जो मैच में स्पेक्टेड में डालना उसमें डालेगा नहीं, जिसमें नहीं डालना साला उसमें भर के डाल दिया मेरे को। कौन यस है ना, यस नाम का बंदा टीम अप करने नमन, वाला। देखिए नमन टीम अप कर रहा है, पंकज और उसके बाद ये दो आईडी नाम बोलो, हैं।
नाम नाम बोलते रहो, मैं एक बार एक जगह पे लिख देता हूँ। अरे देखो तो चीटर करना है तो चीटर वाले सेक्शन में ना, हम लिखे दे रहे, खुद ही लिख दे रहे इनका चीटर को बैन सीधे, इनका प्राइस ही कैंसिल हो, जीत खेलने तो इनको, खेलने से कोई मतलब है, इनके सारे प्राइस कैंसिल होंगे। नमन करो करो इनका सारे बैन। अरे स्क्वाड टूर्नामेंट करवा रहे करने फिर से आप? तो चल तो रहा है अभी। अरे फिर हम हमारे को भी खेलना था ना, तो रजिस्ट्रेशन करने का बता कुछ। अरे तो कर लो ना अभी, फेज 2 में रजिस्टर कर सकते हो तुम। अच्छा फिर ठीक है ठीक है, क्या करना उसके लिए? वही आईडी और वही सब्सक्राइबर। अरे टीम नेम दे दो तुम बस। टीम नेम दे दे। हां टीम नेम और डिस्कॉर्ड टैग। और डिस्कॉर्ड टैग तो अन्नी भाई मैं। अच्छा तुम अन्नी भाई के साथ खेलोगे तुम बड़े? हां अन्नी भाई हमारी हमारी टीम बनी हुई है। हीरो एक पहुंच गया, मैं 2 दिन में हीरो एक पहुंच चुका हूं। बहुत ची घर है यार तुम्हारे अंदर। अरे बुया पे बुया, और यहां पे हम क्या करें? अरे मैं पंकज ओके, मेरा नाम सक्सेस एजेंट 47 ऐड करो, भेज दिया है। ओके देखते हैं, पहले आईडी रिव्यू जाएगी ना भाई, पहले रिव्यू करेंगे हम लोग की आईडी लेने लायक है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है भाई। 4 फेब का प्राइस अभी किसी को नहीं मिला है, परेशान मत हो, आप लोगों ने फॉर्म 6 तारीख को भरा था, 20 तारीख तक का वेट करो। किसी को कुछ नहीं मिलेगा साला, कोई आता ही नहीं है कभी भी जब से इसमें। टीम अप कर रहा था ना इन नमक वाला बॉस से, उधर ने तीनों को मार दिया। उदय प्रो मानुस होती। सीएम भाई मेरे को आपके गिल्ड में आना है। सीएम भाई है ही नहीं इधर, निशान है ही नहीं इधर। वॉच भाई क्या हाल चाल आपके, वेलकम टू द स्ट्रीम। एक पंकज नाम का भी चीटर था ना, पंकज। पंकज उसका आईडी यूआईडी नहीं याद है, पंकज लिख। चलो अभी उसकी आईडी पंकज लिख दिया। ठीक चीटर सर बट ये आएगा फ्रेंड लिस्ट में। टीएचसी ऋतिक आ गया फ्रेंड लिस्ट में, ओपी काम किया, और देखा कुछ दिनों बाद निकल भी जाएगा। ट्वेंटी तक का वेट करो, पता चलेगा, हम लोग को पता चल जाता है कि किसकी आ गई, मतलब मिल गई है कि नहीं, वहां से डिस्पैच हुई है कि नहीं, किसी ना किसी को तो पता ही देता है। अभी भाई टाइमिंग बताना उसका फेज 2 का। टाइमिंग फेज 2 का डेट कितने रही थी, 20 तारीख को स्कूल का, तो वो 21 तो चलेगा, 22 तारीख से स्टार्ट होंगे। तो टाइम क्या होगा, 2 से 4? अबे टाइमिंग का अभी से मैं टाइमिंग अभी डेट ठीक से पूरा डिसाइड ना बता दूंगा फेज 2 का, परेशान ना हो। मुझे तो ये नहीं पता। 4 बजे से होगा। टाइमिंग के लिए कोई रोया तो बहुत गाली सुनाऊंगा, देख लेना। हम तो 2 से 4 कर लो, नहीं तो 5 से 6 कर लो, कुछ शायद नहीं, सो 8-10 कर सकते कुछ ना भी। टूर्नामेंट तुम्हारे हिसाब से चला है, अपनी लाइफ स्ट्रीम तुम लोग के हिसाब से करें। अरे सिर्फ एक घंटा बीच में दिक्कत कर रहा है ना, 1 घंटा, बाकी टाइम तो स्कूल में होता है, बस 1 घंटे का नहीं कर पाऊंगा। तो इसका प्राइस क्या है, इसका शायद 75 रुपीज होगा या वीकली मेंबरशिप होगा, कोई एक चीज होगी, मैंने ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बनाया था इसका, कुछ ना कुछ दोनों में से एक चीज होगी इसका प्राइस जो विन करेगा। और ये डेली होते हैं, आप लोग डेली खेल सकते हो लाइव चैट पे, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है game.tv का, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है game.tv के गिल्ड का, या कि ज्वाइन कर लो, वहाँ डेली टूर्नामेंट्स बनते हैं, सो आप डेली खेल सकते हो, और 6 से 5 लोग भी डेली ज्वाइन कर सकते हो, 6 से 5 से लॉबी में भी जीतोगे तो भाई सबको सबका प्राइस मिलेगा, जो जो जीतेगा जिस लॉबी में, बस फेयर तरीके से जीतना। 3 भी केडी है भाई, लेवल देखना होगा, केडी से कोई मतलब नहीं, लेवल बन का लेवल से क्या होता है, लेवल से पता चलता है एक्सपीरियंस कितना है बंदे के पास। सब अभी पूछ लोगे क्या? नहीं पूछने दो भाई, पूछना जरूरी होता है सब कुछ। बस आपके 2000 होने वाले मेंबर गेम ट्यूब।
विक्रम भाई कुछ अच्छा ग्रेनेड को करेंगे क्या कनेक्ट कर पाएंगे। ओह अच्छा लुआ लगाया, कौन है इधर, मारियो है क्या? नहीं एच की पहाड़ी। और विक्रम 4 वर्सेस 5, 4 के पास एक 2 किल है, यहाँ पे 3 की केडी है भाई। केडी देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट केडी की 2.5, 2 या 2.5, 2.5 है ना नीचे। निंजा ने माइक बंद कर लिया, पता नहीं तो आपने म्यूट किया है क्या? नहीं हमने म्यूट नहीं किया, हमने कैसे म्यूट ही नहीं किया, माइक ऑफ कर रखा है। हाँ तो 2 की केडी, 2 से प्लस केडी चाहिए होती है और लेवल चाहिए होता है, थोड़ा लेवल से पता चलता तो बंदा एक्सपीरियंस के किसी गिल्ड में आने के किसी लिए। आपके गिल्ड में आपके मैं ऐसे आ गया था, क्या बात करते। हर हर किसी के पास तुम्हारी वाली पावर थोड़ी है। हैं अच्छा ऐसे भी है क्या? अरे हाँ मैं तारीफ करो सभी को। ये तू कहीं पे आया बे? कौन अरे आके क्या हूँ सा टूर्नामेंट है मैं? भाई? लाइव चैट पे जो अरे वीडियो का लिंक पे उसको जाके देख लो, रजिस्टर करो, हमारी एक स्क्वाड बन गई है, मेरे को उसको टूर्नामेंट खेलना है। कैसे खेलूं? लाइव चैट पे वीडियो का लिंक है जाके देख लो। मैं डीसी पे आऊँ? डीसी पे कोई इस सेक्शन पे बैठ नहीं सकता ना, यहाँ पे केवल मैनेजमेंट की टीम को बैठने का अलाउ है, तो हम लोग बैठेंगे भी नहीं यार, अभी किसी और रूम पे नहीं। थोड़ा जाए तो डिस्कॉर्ड अभी हम थोड़ा सही करेंगे, अभी कल कॉलेज नहीं जाना है हमें, कल से हम थोड़ा डिस्कॉर्ड सही करेंगे, थोड़े रोल अच्छे क्या बने। करना रह गया इसमें? नहीं अभी हम और अच्छी चीजें करेंगे। ये मैम पहले बताओ, ME6 को आप कब ओपन कर दूं मैं, जो वर्ड्स करता था पागल वाले? तो अरे नहीं M6 को हटाई तो कोई काम का नहीं है बॉट, वो कोई काम का बॉट नहीं फिर है। सभी के सर्वर में वो पड़ा हुआ है ऐसे ही, अरे सभी का सर में मतलब कर पड़ा, इसका मतलब थोड़ी मेरे में पड़ा हो, हम दूसरे बॉट से काम या चला फिर लें। कम काम को ये या फिर इनवैलिड मतलब यूजर क्यों कम लिख के आ और रहा है? वही तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मैंने सब कुछ अच्छी तरह फील कर गया, इनवैलिड ही आ रहा है बार बार। अरे बट जो हमारे अगर हमारे सर्वर से कोई लीव करके फिर ज्वाइन करता है तो नाम आता है। यू बी गब्बू, फ्री फाइट गब्बू निपट गए। और विक्रम ओके यश वर्सेस 2K, अभी यश उसमें था ना शायद, नो नेम में था, नो नेम की टीम ने कल भाई बहुत मारा। निशान सिंह, अरे निशान तुम आ गए, खरगोश क्या ही मारा है? उदय उदय प्रो मानुस होता, 56 लेवल है भाई, 56 नहीं यार 60 लेवल को करो यार, 60 लेवल कर लो यार केडी, इसीलिए मैंने पूछा था यार, केडी का कोई इतना वो नहीं है। मुझे बताओ ना फिर फाइनल कब होगा? फाइनल फेज का फाइनल 24 से 25 को हो जाएगा, 25 से 26, अच्छा मैक्सिमम डेट 26, उससे ज्यादा लंबा नहीं जाएगा टूर्नामेंट, हम 26 तक खत्म कर देंगे टूर्नामेंट। वो देखो भाई वाटर जोन बना है, क्या ही मजा आएगा, लगा लो वाई यूई लगाओ लो, वो अच्छा बॉट है। ये कौन सा बॉट है? YUI, ये कौन सा बॉट है? मैंने कोई नाम नहीं सुना है। इग्नोर नहीं इग्नोर करके YG देखता हूँ। YGDB बॉट तो सुना है, ड्रासल सुना है, YGG ड्रासल, चलो अभी अरे इस देखेंगे। वैसे होते हैं ना थोड़े, मैं भी चेक कर लेता हूँ कौन सा बोर्ड का नाम लिखा नहीं थोड़े और अच्छे, 62 लेवल है। अनि तुम तो यार पता नहीं, साहिल ने बैन किया तुमको। ए भाई वो देखो, ओए भाई क्या ही हेड मारा है भाई उदय, ओपी मारा भाई, ओपी मारा उदय ने तो, नहाते नहाते मार दिया लौंडे ने, क्या ही मारा है भाई, मजा ही आ गया। वो। पता है आज के सारे रूम सिर्फ 3 जन जीतते, क्योंकि क्या चीज? उदय जीता, एक मोर्टल, आज के सारे रूम एक मोर्टल जीता है, दो हाँ दो तीन ये जीत गया उदय, और एक मैडम जी जीती है बस। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, डिजर्विंग लोग जीते ज्यादा ठीक है। हम तो सोच रहे साला रजिस्टर ना करे और ऐसे ही घुस जाए कर लो ना। नहीं एग्री भाई, देखो यार मेरे जो गिल्ड लीडर हैं वो चैट पे बैठे हैं, वो हमको गाली देंगे, कहेंगे भाई तुमने इतने कम लेवल का बंदा क्यों एग्री कर लिया, जे 60 लेवल हाँ। चाहिए चाहिए। निंजा से हम कोई नहीं निंजा से भिड़ते, बात करो निंजा से के खिलाफ कोई नहीं जाता। सर, गुरुजी हमारे हमारे गुरुजी हो, ऐसे मत हाँ कहो। निंजा के खिलाफ कोई नहीं जाता गिल्ड के मामले में। गिल्ड के टीम के मामले में भी हाँ टीम गिल्ड और टीम का काम उसी का है सारा, और रूम देखता है, बाकी सब नॉइज हम लोग का काम है।
इसे कितनी की 7 किल की थी ना। कौन सी लिंक है स्क्वाड के लाइव चैट में जो पिन है यूडीएफ लिखा होगा? मैं तुमको कॉल कब कर सकता हूँ? कभी नहीं भाई, कॉल ऑल नहीं कर सकते भाई। अरे है ऐसा बोट है असल में है। अच्छा सुनो युगल, ए युगल, साहिल को कॉल करो, साहिल को कॉल करो, कॉल करूँ उससे कह दो ठीक है आगे बोलो 6:15 पे रूम बना के आईडी पासवर्ड जीवन में डाल दे। समझे? समझे था तुमने? एक बंद विकी नाम की बंदी है, उसे गिल्ड में लेना है। कौन जीता? कौन बंदी को गिल्ड में ले लो? लड़की है, मेरी फ्रेंड है। नहीं यार लड़की को भाई लेवल रिक्वायरमेंट सब सबके लिए एक ही रहेगा यार। वज्रा भाई तुम भी जाने के इसमें हो, टेंशन ना लो। हाँ तुम भी गिल्ड से हाथ धोने वाले हो अभी, हाँ जल्दी से लेवल बढ़ाने के कुछ करो। तुमको ले लिया गया था, समझा करो। वैरायटी डॉग्स, वैरायटी डॉग्स भाई क्या हाल चाल आपके? ए निंजा आओ एक मैच खेलते हैं, फोन कर देना युगल, युगल या फोन कर देना ठीक। ए कोई है क्या अपना? अरे आकाश, विकास भाई कहाँ है? विकास भाई बोलो। विकास देखो डिस्कनेक्ट हो रहे डीसी से। एक गेम हम लोग खेलेंगे फिर उसके बाद 6:30 से मैच स्टार्ट है। तो कोई ऑनलाइन नहीं है? सीएस खेला जाए फिर, सीएस खेलते टीम कोच लड़कों के साथ थोड़ी देर। सीएस ही खेलेंगे ना, रैंक कौन माइनस करवा रहा, परेशान क्यों? ठीक आज मैच है मैं जाएगा 26 तारीख को रात भर खेलेगा भाई, भले ही सोलो खेलेगा। क्यों? मन ठीक कर लूंगा, ग्रैंड मास्टर कुछ भी करके पहुंचेगा मैं। क्या चीज, कब से रैंक सीजन स्टार्ट हो रहा है? 26। अब हम पुश ही नहीं कर पाएंगे इस पर एग्जाम में। थोड़ी देर एक मैच खेलना हो जिसको, आ जाओ सीएस के एक दो मैच भाई। विनर बनाया अभी तक मुझे भाई 7x गेमिंग भाई, 17 तारीख के सारे विनर बना दिए, 18 तारीख के जब मैं स्ट्रीम खत्म करूंगा तो विनर्स बन जाएंगे, परेशान ना हो। बाकी विनर्स बने, मेरे को लिंक नहीं मिल रहा इसको आपको खेलना है। अरे अनी भाई कभी यूट्यूब चलाया है क्या? पहली बार यूट्यूब चलाओ, लाइव चैट पे वीडियो का लिंक नहीं पिन दिख रहा, डिस्क्रिप्शन नहीं खोल पा रहा, क्या ही आदमी है यार। ये लो लिंक, ये लो वीडियो का लिंक। साहिल गेमिंग क्या हाल चाल आपके? वेलकम टू द स्ट्रीम। टीम कोड से जिसको खेलना हो थोड़ी देर आ जाए, एक दो मैच सीएस खेलेंगे हम लोग, वरना हम लोग चले 6:30 बजे से क्योंकि मैच है, फिर हम लोग को ज्यादा समय। विकास भाई आ गए। अरे विकास भाई आप लोग का मैच है आज, समझे, याद रखना। ग्रुप देख लिया था ना? हेलो ब्रो साहिल भाई क्या हाल चाल आपके? ग्रुप कौन से ग्रुप में हो? ग्रुप डी में हो ना? आज के बाद एक मैच बचेगा आपका। फाइनल 20 तारीख को फाइनल करवा देंगे पूरा। आज किस किस का मैच है? ग्रुप ए और सी का है और बी और डी का है। सेकंड मैच है ना डी का? हाँ बता दो फिर भी, इन्फॉर्म रख दो। तो कहाँ क्या डिलीट कर दिया गया टूर्नामेंट? 5:30 बजे वाला कौन सा? 17 तारीख के ना, 16 वाले 5:30 बजे 17 तारीख का। हाँ 17 तारीख का डिलीट कर दिया था, तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था, बंदे फुल नहीं हुए थे, तो इस वजह से उसको डिलीट कर दिया गया था। सोलो टूर्नामेंट भी था? सोलो टूर्नामेंट तो डेली होता है, खेलना खेल उसमें प्राइज रहता है, डेली होता है गेम टीवी पे, उसमें प्राइज 100 मतलब एक वीकली रहता है, किसी ना किसी में 75 रहता है।
खेलना खेल डेली खेल लिया करो। ये रहा इधर बाबा, कहाँ भाग गया बे? पीछे ही है, पीछे ही। वे मुक्के से मार रहा है वो। फेस टू कब स्टार्ट होगा? फेस टू हो जाएगा 21 या 22 से स्टार्ट हो जाएगा। आज का 5-20 वाला डिलीट नहीं किया गया भाई, उसको रिजल्ट अपडेट कर दिए गए। उदय गेमिंग जीत गए हैं, ताकि एक बार चेक करो, उन्हें रिजल्ट अपडेट कर दिए। लेजेंड बोलते हैं क्या? लेजेंड बोलते हैं मतलब कौन लेजेंड? तो हो रहा था नहीं, उसका तो हो गया ना, वो उसका अपडेट कर दिया। उदय गेमिंग जीत गया ना, उदय 2K जीत गया। बंदे पीछे से आ रहा है एकदम। एक बंदा उन कंटेनर के पीछे है पूरा। शेख को छोड़ते हैं बाद में आते हैं इसे लास्ट में। शेख के पास 3 बंदे। कोई पीक नहीं दिखा रहा इधर कंटेनर के पीछे। निकल करो निकल। ओ भाई सीधा हेडी दे दे बे, खतरनाक। अबे एक क्रोन हो क्या मतलब? गलत नहीं दिख रहा वहां पे। अच्छा देखते हैं, अभी देखते हैं भाई क्रोन क्रोनों के अंदर कैसे मारा। क्या ही तो एक बंदे का चैनल पे रेड करना है। नहीं भाई अभी नहीं, अभी याद है। अरे अपना करोना लोकल है पता है राहुल, तेरा 1199 वाला है। सस्टेम खरीदा था हम लोगों ने भैया, थोड़ा हम दिखाते हैं। निंजा इलम सिंह याद है? याद है भाई। मतलब तुम लोग सभी आलोक को भूल गए, कोई नाम भी नहीं लेता। पहले आलोक मांगते तो थे, अब कोई मांगता भी नहीं। आलोक नहीं मांगता वाला तेरे पास है ना इनका आलोक। एक नीचे कूद गया। अरे नीचे नीचे सारे आया। आ गया आ गया आ गया। डबल लक, डबल लक लेके आ गया। ओ भाई पीछे भी बंदे आ गए। बॉल भी नहीं बनी अभी तक। अबे भाई साहब सब कर लो, सारे हथकंडे अजमा लो लौंडो तुम। नहीं हो सारे हथकंडे अजमा लो लौंडो भाई। अब ऊपर चले जाएंगे, अब ऊपर चढ़ जाएंगे। अब बता रहे ना ऊपर चढ़ जाएंगे। वो क्या ही हो रहा है राहुल, मतलब करोना नहीं होता ना फिर तो मजा आता। अब अटैक करने से भी डर लगता है भाई, उसको डैमेज देंगे गधे में 2 सेकंड में लगा देगा, 1 सेकंड में। डबल वेक्टर लिए तो फिर वो तो अजय हो जाता है। राहुल गया कोई पता है। मैंने क्या किया, मैंने डबल कर दिया, मैं उसको डबल नहीं किया, सिंगल से मारा गया। भागो तुम है। अबे मर गया मैं। कितना डैमेज हुआ?
हाँ मार दो यार, मार दो। टीम कोड जो दिया तो था इससे पहले भाई यार, एक बार से हराया था। अरे यार भाई कभी गेंद वर्सेस सीरीज करो ना, मजा आएगा। कितना तो होता रहता है, सुबह शाम तो चलता रहता है। अब कितना करेंगे गेंद वर्सेस सीरीज, होता तो रहता है, अक्सर होता रहता है। एक ही किल किया कभी, मेरी पर्सनल व्हाट्सएप कर दिया, डाल दो डीसी पे। अभी 6 बजे है, अभी तो 15 मिनट है, डालते हैं। निंजा वाला मेरे पास आ रहा है। हाँ लगा लो, ए बहुत लो ये। भाई कितना ग्रेनेड, फिर से ग्रेनेड भाई, फिर से कितने ग्रेनेड राहुल। अरे साले कितने ग्रेनेड, डिफॉल्ट व्हाट्सएप किया है। ठीक है ठीक है, देखते हैं। एक डोर कुछ करना था। आप दिल्ली में रहते हो? नहीं भाई दिल्ली में नहीं रहता, मैं कानपुर में रहता हूँ। बस वे क्या टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है, एक और हो जाएगा अभी। 24 लेवल कुछ भी ऐसे मारेंगे के लिए मैं रहती हूँ। नहीं यही टीम आई तभी मजा आएगा राहुल, अब क्या फिर से यही वाली टीम आई तब मजा आए ना भाई, परेशान हो गया मैं। नहीं सकते नहीं, मैं दिल्ली में नहीं रहता। अच्छा अबे हाँ वो गेम डॉट टीवी वाला देख रहा था, चलो मैं भी देखता हूँ उसके बाद। ठीक है वही वाली है, अबे वही वाली है। मैं तेरा बोलना सच हो गया, तूने ऐसा क्यों बोला भाई, सेम टीम से फाइट है। अबे अब तो जीतो, अब जीतो और साथ में नाचो भी उनके मुंह पे। नेट से बच के रही हो भाई। जल्दी बचा साले को, अभी भी टूटना बंद होना था। राहुल किल है भाई, राहुल 20 के डैमेज में किल है यार, छोटा सा दिला है। वो रिवाइव हो गया मेरा घर। अरे उनको छोड़, उनको हील कर, इधर आ, इधर आ, हील कर ले राहुल जल्दी आ, रिवाइव कर ले, हील करने दे, हील करने दे यार, हील नहीं उसको। किलर स्क्वाड के भी क्या हालचाल भाई, खराब ही होने सोचते हैं। फिर आ गए अभी, एक मेरे को मुक्का मारेगा, एक दूर से मारेगा भाई, क्या कर क्ला लगाए ना पक्का। हाँ क्ला लगाए तभी तो, उस सीएस के स्पेशलिस्ट बनने हैं ना क्ला लगा के। हम तो मैं बोलूंगा लेकिन हमको, अरे रुको रुको, हमको हाथ चालू करना तो रुको, अरे चालू करना तो मेरे बोलूंगा हमको हैक चालू करना है तो एक मिनट रुको। ए भाई वन टैप मत मारना, बाकी तुम गोली मार लो सीधे वो कंजू रन, वन टैप मत मारना और डर लगा चलो हो गया। ये वाला, ये वाला चला बंद करो। राहुल 20 के डैमेज में किल मिल रहा था, पता नहीं कहां पे चला गया था। तुम दादी ने दे 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 20 के डैमेज किल तो, मतलब 20 का डैमेज मेरे को मार के उसको किल दिया था। कैसे जीतने नहीं दूंगा, छह जो छह छत के ऊपर बैठे भाई पीछे।
राहुल छत के ऊपर चढ़ गए पीछे वाले के भी। क्या बात है, नीचे छत के ऊपर बैठा है एक बंदा। निंजा छत के ऊपर बैठा है, देख के दो बंदे छत के ऊपर हैं, दो हाँ दो बंदे बैठे हैं एक नीचे। इसका मैं तोड़ रहा हूँ ग्लूवर। तो भाई हेड मारा फिर से मर गया, बच गया मैं। नेट डाला, अबे नेट डाला, अबे नेट डाल दिया। बचा नहीं, निंजा बचा, क्या करेगा देख। एक नॉक है, रश नहीं करेगा। करोनो लगा रखा है, फिर से बच गया। अबे हेड लग गया भाई, ये नहीं करने वाले, इतने तरह मार रहे हैं मगा मगा के कब से। अब वो ग्रेनेड से खेल लेगा इस वजह से। हेलो भाई, आरडीप कैसा खेली? अरे अच्छा खेली ना भाई। नहीं यहीं पे फिनिश होगा ना, एक ग्रेनेड नहीं है अपने पास। बढ़िया अरे किसी एक को दे दो जिसकी हेल्थ पूरी हो। मेडिकेट नहीं है मेरे पास तो एक भी, आलोक भी नहीं है, सभी मरेंगे, पक्का मरेंगे। नहीं मरेंगे हम, मरेंगे रे, बोला था ना मरेंगे। वो ऐसे ही जीत सकते हैं भाई, क्या ये बोले इनको यार। अगर ऊपर वाले को डैमेज लग जाता ना। हाँ अरे वो टीम वाले ना मेरे हैक से डर गए। ये डर नहीं गए अबे पहले एक राउंड तो जीता था, एक तो जीतो वरना 4-0 से मतलब जीता। रुको रुको हमारा हैक चालू है, रुको आने दो। कब तक आएगा हैक? अरे चालू तो है, दो को तो हेड मारा, तीसरा आया नहीं हाथ में, चौथा ऊपर ही रह गया तो बताया उन्होंने। अबे डबल वेक्टर लेके चल गए बहुत लोग पीछे वाला। उसके बाद डबल वेक्टर लेके बहुत मारता। अरे एक ग्रेनेड ग्रेनेड सब फेंक रहे व्हाट द वे, गंदा खेल लगे गंदे तरीके से। पीछे पीछे बोल रहे पीछे। हेलो कहाँ पे गए? डबल वेक्टर लेके खेल रहे ना। अबे पिछली बार हारे तो हारे, अब भी आ रहे हैं। अबे डबल वेक्टर से कौन जीत सकता है बताओ इतनी जल्दी? अबे बाकी राउंड तो जीतो, फर्स्ट में भी नहीं जीते। भाई जीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड गेम। GG means good game. इधर ही आ रहा सामने से राहुल, एक ग्लू वॉल नहीं है मेरे पास। सामने बंदा है, सामने बंदा है, वहाँ पे सामने सामने पेड़ के पास ऊपर वाले। हाँ वहीं पे उसके पीछे छुपा हुआ है, ऊपर नीचे को ना अगर आए तो नीचे कूदा आ रहा तुम लोगों पर। डबल एक्टर उसके पास, ग्लू वॉल लगा मैंने। आया राहुल आने दे मेरे पास, देखूंगा इसको। गया संभाल नहीं पाया, पीछे भी बंदा वो गया, पीछे भी गया, नीचे में ऊपर गया, ऊपर बैठ गया जाके।
अबे गधे दोनों आए हुए हैं, अभी देख एक गोली अभी भी गया भाई। डबल वेक्टर भाई, बिल्कुल बिल्कुल लीचड़ वाला गेम भाई। ओपी फुल फॉर्म गोइंग टू ओवर पावर्ड, देखो बंदा गेम भाई। डबल वेक्टर और मजा एलिमिनेट हो जा यार यार गोली एलिमिनेट हो जा बॉल था जा एलिमिनेट हो जा एलिमिनेट हो जा तो मत दे कैसे खड़ा है वो भाई हो जा। नहीं हो सकता निंजे, ओवर पावर वो लीचड़ है। मैं आईडी पासवर्ड देने जा रहा, ठीक है मेरे रूम इंस्पेक्टेड करना। निंजे आ रहे हो? चल हम लोग जा रहे हैं राहुल भाई। एक मिनट, ग्राफिक्स अल्ट्रा ठीक है, ओवर पावर्ड। एक मिनट मैं जा रहा रूम में, तब तक आप लोग दो मिनट वेट करो, मैं रूम में पहुंचता हूँ। हेलो ब्रो, सत्यम भाई क्या हाल चाल आपका? तो चलो आईडी पासवर्ड हम लोग दे देते हैं, वेट अ मिनट। यहाँ से नहीं देंगे इसको आईडी पासवर्ड, यहाँ से देंगे क्योंकि उधर साला गड़बड़ हो जाती मामला। ओके थ्री फोर वन टू फाइव जीरो पासवर्ड है ट्रिपल नाइन, नहीं ट्रिपल नाइन नहीं, फर्जी पासवर्ड। टीएच क्राउन ओपी, ओके कम आ जाओ जल्दी से, टीमें आ जाए सारी भाई, तुमको मैसेज करें। हो भाई आप भी डबल एक्टर ले लो ना, गेम का पार्ट ही है। नहीं यार देखो ठीक है, मेरे वो हम लोग मजे कर रहे थे, जस्ट अ फन गेम था यार वो, हम लोग कोई उसको इतना सीरियस नहीं लेते हम लोग। नेटबॉल मुझे क्यों नहीं बोल रहा, मैं पहली बार थोड़ी ना आया हो, आज मैं थोड़ी पहली बार थोड़ी ना आया। तू चाहिए एक मिनट में देख लू, यार रोल दिए थे इनको कि नहीं? मैंने रोल दिए थे, रोल तो दिए थे यार ग्रुप लिस्ट में। ए और सी का मैच था, पीआरवाई के गेमर्स आ गए। चलो ये अच्छा हुआ पीआरवाई के गेमर्स आ गए, और भी टीमें आ जाए जल्दी से जल्दी तो मजा आ जाए फिर।
नॉट ऑफिशियल खेलेगी इसमें और नॉट ट्रेटर्स खेलेगी। ऑफिशियल और ट्रेटर्स खेलेगी रिमे पीआर बाकी टैरो आर्मी। गला ठीक हो गया लगता है। हाँ गला ठीक हो गया, मेरी स्क्वाड आ रही है 2 मिनट। ठीक है ठीक है, जॉन्टी भाई ने भी बोला है कि जब तक डाउन लगता है तब तक चलाओ। हाँ तब तक तो चलाओ, वो तो है बात। ठीक है बट देखो किसी उसकी आदत ना डालो तो ज्यादा बेटर है। चलो नेटबॉल मुझे ही थोड़ी बाकी टीमें सो रही है क्या, इनको पता नहीं क्या मैच है इनका आज। आ गई लॉल ट्विस्ट, ये आ गई लॉल की टीम। लॉल टीम कौन सी टैरो आर्मी टोपी चक्रेश चक्रेश टीम थी गैंगस्टर टोपी। गैंगस्टर का मैच है टीम फोर ब्रदर्स है, टीम फोर ब्रदर्स आई है। ठीक ठीक टीम फोर ब्रदर्स खेल रही है। बीए स्पोर्ट्स राइजिंग नॉट की टीम आ गई। चलो टीम हंटर्स आ गई, ये भी बढ़िया हुआ। और कौन कौन सी टीम, चक्रेश ने और नोट रुद्रा पीएच का ऑनलाइन सार्थक ऑनलाइन है। ठीक है राइजिंग स्टार भी ऑनलाइन है। इट सेज चल गला ठीक हो गया, स्लो मोड ऑफ कर दो यार। यार स्पैम करते हैं इस वजह से यार, स्लो मोड ऑफ ऑन रखा है तो तुम्हारी डिमांड पे ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया सर। बहुत स्पैम होता है ना, ये लिखा है अब किस स्पैम कर। एचके की टीम भी आ गई 34। गैंगस्टर आ गई, हाफ ब्लड इधर बैठा है, मुक्ति चक्रेश की आ गई, टैरो आर्मी, कुछ टीम्स रह गई बस। अभी है शायद एक ग्रुप सी में हो ना ग्रुप ग्रुप सी नहीं, तुम्हारा इसके बाद वाला की बात है, इसके बाद है। ओके प्रो रिप्लाई प्लीज भाई, किसी भी स्लॉट पर बैठ चेंगे चलेंगे और पूरी टीम एक साथ बैठना। ठीक है जहाँ भी बैठना पूरी टीम एक साथ बैठना चलेगा, बट पूरी टीम एक साथ बैठना ज्यादा बेटर है। पूरी टीम एक साथ बैठना, इधर उधर नाचना मतलब। हमारी जैसी मर्जी, एज योर विश प्रो। वे टीम में एक सब्सिट्यूट ले सकते हैं क्या, क्योंकि एगोनिक ने गेम छोड़ दिया है। अच्छा ले लेना सत्यम, अब गेम छोड़ दिया तो फिर ले ही लो, कोई बात नहीं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। राय यार साहिल
कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता, तेरा नाम सबको फिर तेरे को चिढ़ाएंगे। हाँ डेविल कौन खेल रहा है भाई? आपका स्ट्रीम पर मेरा नेट सही है? ओहो आपका स्ट्रीम सही खेलने तो ना, ऐसा क्यों करते हो? निशान मत कर यार, अरे निजा मत कर यार, वो वज्रा आज भी कहेंगे, उनको लात मारो पहले, बैन करवाओ। इसी सुमन कौन है भाई ये सब? हटाओ इनको, तेरा ऑफिशियल कस्टम टूर्नामेंट का तुम ही लोग मजाक उड़ाओ तो क्या होगा? नहीं ब्रो अर्णव भाई नहीं, 6:37 से आज टाइमिंग आईडी पास सही पे आए, टाइम पे आए तो खेलना भी आपको सही टाइम पे पड़ेगा, आज कुछ नहीं होगा। कल गलती हुई थी तो कल लेट आया था उसकी वजह। नो नो ब्रो नहीं हो पाएगा अर्णव भाई, आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, आप लोग को देखना पड़ेगा, आज नहीं होगा ब्रो। आईडी पासवर्ड टाइम पे आया तो आपको भी टाइम पे आना पड़ेगा, कोई डिले नहीं, कोई डिले नहीं। वज्रा निकल जाओ रूम से, वरना फिर मैं आपको कुछ कहूं, इससे अच्छा आप निकल जाओ खुद ही रूम से, ठीक है? बाकी सब अभी आ जाएंगे एक्सपेक्टेड में, प्लीज। अरे भाई नहीं हो सकता यार, सॉरी यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता यार, पॉसिबल ही नहीं है यार। मैंने अगर आईडी पासवर्ड लेट आया तो एक बार चांस था कि भाई हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले, बट 15 मिनट ऑलमोस्ट 15 मिनट से पहले 20 मिनट हो गया यार, मैंने 6:10 पे आईडी पासवर्ड डाल दिया था इसीलिए कि आप लोग आ सको टाइम पे। फोन करके कहो, फोन करके कॉल, फोन करके एक टीम नहीं है केवल वो टीम। पासवर्ड दो भाई, पासवर्ड जिन टीमों को मिलना है उन टीमों को मिल चुका है, सो प्लीज पासवर्ड के लिए स्क्रीन पे मत बोलिए, जिन टीमों को मिलना है उनको मिल चुका है। बजरा भाई आप छोटे हो तो क्या आप नहीं खेल सकते? हेलो हेलो, अरे ऑप्शन में डालना है स्लॉट वन पूरा, क्या कर रहा है अबे? ये साइबर बजरा को किक मारो, बैन करो सबसे पहले, बैन करो। हाँ सब फर्जी बैठे हैं भाई। अच्छा पता नहीं कौन सी टीम आ गई, पीआरडी की टीम थी, कौन सी टीम आ गई। हाँ भाई रैंडम्स को तो किक कर दो, कर रहा हूँ रैंडम्स को किक हो रहा है, परेशान मत हो, रैंडम्स किक हो रहे हैं। ओके
एक लोन वुल्फ, एक लोन वुल्फ, लोन वुल्फ कहाँ है? एक मिनट, अब भाई अगर मैं रोज के 4 घंटे स्ट्रीम करूंगा तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा क्या भाई? स्ट्रीम की जगह वीडियो ज्यादा प्रेफर किया करो। साहिल बोल रहा है कोई काम कर रहा है। अरे यार आइस भाई, अब मेरे को चल रही गुस्सा यार, कम से कम यार तू करवा तो दे मेरा काम यार, तो बता देता एटलीस्ट हम बना लेते खुद ही रूम। साहिल हाँ अच्छा करते हो भाई, आप स्ट्रीम करते हो भाई? अभी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे मैनेज कर लें दो यार, फिर मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ 2 मिनट। है हेलो, अब है बता दे क्या क्या करना स्लॉट 12 जो है वो पूरा क्लिक कर दो, पूरा क्लिक कर दो, स्लॉट 12 पूरा स्लॉट 12। क्लिक करो। तो ये थे कौन? अरे गलती से इनवाइट कर लिया, और ये स्लॉट 1 भी पूरा क्लिक करो। स्लॉट 1 हाँ स्लॉट 1, और ये 4 से लोन वुल्फ क्लिक कर दो, 4 से स्लॉट नंबर 4 से फोर्थ नंबर। लोन निंजा स्पेक्टेट में आ गया हाँ वो आ गया। इन विवेक, चलो इसलिए से नॉर्थ में, नॉर्थ की दूसरी टीम में। ठीक, आप बोलो। अब सब टीम तो हो गई, एक टीम नहीं है, ये स्पोर्ट्स ही आ गए ना। ठीक है, हो गया। एक मिनट रुक जाओ, बस 6:30 पे स्टार्ट करना है, चाहे आए कोई चाहे ना आए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो कौन सी टीम है? यंगस्टर आगे ये कोई बोल रहा टे 10 से 3 4 किक नहीं चलेगी वो लोगों की। वो अभी वाली जो लेटेस्ट ट्रैक आए वो यार भाई के हॉक नाइट्स आ गए, इसके वाले भी आ गए, हंटर्स हाँ भी आ गए, नॉट ऑफिशियली आरडीएक्स आर्मी कहाँ गई? आरडीएक्स आर्मी कहाँ है?
आर्टिक फॉले काम गए आरडीएक्स वाले नहीं आए, ग्रुप ए का मैच है। नहीं नहीं आरडीएक्स वाले नहीं, सॉरी सॉरी आईजी स्पोर्ट। ठीक है टीम फोर ब्रदर्स भी आ गए, ये लोल वाली टीम इनकी है। पीए स्पोर्ट्स भी आ गए, राइजिंग स्टार भी आ गए, नॉट ट्रेटर्स भी आ गए। टेरर नहीं आई, टेरर नहीं खेली इसमें और एक टीम और नहीं खेली इसमें। टेरर टेरर के साथ मालूम टेरर का वो ठीक ठीक है। अभी सब रजिस्टर्ड है? हां सब रजिस्टर्ड है। नंबर टू भी, नंबर टू वाली टीम सब अलग अलग। फोर पे ये लोन गोल्फ क्लिक कर दो, फोर्थ वाला सब फिर से कौन सा है लोन। नहीं नहीं ये लोन गोल्फ क्लिक कर दो, फोर्थ से फोर को। अरे हमको कुछ बोले क्या रूम में? नहीं नहीं तुम नहीं नहीं ठीक है। ये लोन गोल्फ नॉट का रुद्रा वाली जो टीम है उसमें लोन गोल्फ है, सो क्लिक कर दो। अभी नहीं है, कोई नहीं अभी तो है नहीं, वो कब की चेक कर दिया, चेक भी हो गई। लोन वो नॉट रुद्रा वाली हमको क्यों दिखा रहा है फिर ये? अरे तुम्हारा रिफ्रेश नहीं हुआ, तुम रीजॉइन कर। अच्छा रुको तुम लीव करो। क्या नॉट रुद्रा तो है रे, अब हमको दोबारा बुलाओ। रिफ्रेश नहीं हुआ था ठीक है, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा। अब ऑनलाइन दिखाएं यार के क्वीन कहां से आ गया? ठीक है खेल लो ऑल सेट। अब इस आर के क्वीन को किक करके स्टार्ट। आर के क्वीन किसको किक? नहीं नहीं क्विक किक मत करो, किक मत करो। क्लेम तो नहीं किया ना आर के क्वीन को किक करने के लिए? हां नहीं कुछ नहीं किया आर के क्वीन को। ठीक खेल लो, जो होगा वो लोग खुद भुगतेंगे। ठीक है स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, मैं कट रहा हूँ। ठीक है नहीं फू सो फर्स्ट मैच डे टू का स्टार्ट होता हुआ, डे टू का फर्स्ट मैच ग्रुप ए और ग्रुप सी के बीच का ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे टीम आती हुई हम लोग पीआरवाई के गेमर्स नॉट की टीम आएगी, यहाँ पे नॉट की दो टीम यहाँ पे हम लोग को खेलते दिखाई देंगे। यहाँ पे नॉट आर्मी खेलेगी और नॉट ट्रेटर्स खेलेंगी, नॉट सॉरी नॉट ऑफिशियल खेलेंगे और नॉट ट्रेटर्स की टीम लोग खेलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे टीम फोर ब्रदर्स दिखाई देगी, यहाँ पे लॉल इशू सो जग्गा एंड दावा नॉट के, यहाँ पे ट्रेटर्स दिखाई देंगे वैभव और नव निंजा आगे क्वीन को साथ लेके आएंगे। यहाँ पे टीम हंटर्स हम लोग को ये दिखाई देगी, काफी अच्छी टीम दिखाई दे रही, देखते कितना अच्छा परफॉर्म कर पाती है यार इस बार इस मैच में। देखते फर्स्ट मैच में इन्होंने बुआ निकाला था इनके अमित ओम ने, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, तो क्या इस बार अपनी टीम के लिए एक कोऑर्डिनेटिव परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे और इस बार एज अ टीम बोया ले पाएंगे कि इनके प्लेयर अमित ओम को ही पूरा दारोमदार संभालना पड़ेगा, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि टीम टीएच की थोड़ी सी लैंडिंग में देरी हुई थी जिसकी वजह से उनको कॉन्सिक्वेंस उसके पे करने पड़े थे, पूरी टीम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई थी, केवल अमित ओम सर्वाइव कर पाए थे और फाइनली उन्होंने लास्ट तक सर्वाइव करके बुआ निकाला था अपनी टीम के लिए, तो वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट देखते हैं इस बार टीम परफॉर्मेंस कैसी निकलती है। टीम आती है टैरो आर्मी, यहाँ पे दिखाई देगी बी आई स्पोर्ट्स हम लोग को दिखाई दे रही है। इस एरिया पे तो मेन पार्ट पीक से होता हुआ केराटनो मिल के बीच के एरिया पे कंप्लीट होगा। करते हो तो आप भी तो स्ट्रीम करते हो, तो प्रो मैं पहले से ही स्ट्रीम कर रहा हूँ ना, स्ट्रीम बनाने में बहुत टाइम लगता है, स्ट्रीम से ऑडियंस बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो गैंगस्टर की टीम हम लोग को दिखाई देगी, कोटा तुआ से शायद सेंटोसा की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकती है। ओके तो कोटा तुआ पे अपनी गैंगस्टर लूट कंप्लीट करेगी, यहाँ पे दिखाई देगी। टीम आती है आईसी स्पोर्ट्स के रॉक एफ एफ ओके रॉक आई इमोर्टल आई, तो यहाँ पे टीम आई स्पोर्ट्स ब्रावो जाती हुई हम लोग को मिल के एरिया पे दिखाई देगी। गैंगस्टर हम लोग को कोटा तुआ पे लूट करेगी, टैरो आर्मी तो कोटलिस्ट के एरिया के आसपास लकी वेडी यहाँ पे जंप कर चुके हैं, तो एक छलांग लगाने की ट्राई की गई। कोटा कटलिस्ट के एरिया पे यहाँ पे लूट करेगी टैरो आर्मी, बी आई स्पोर्ट्स जाएगी केप टाउन के एरिया पे। टीम एच के आती हुई एच के अनन्या तो टीम हॉक नाइट, यहाँ पे देखते हैं उनको कौन चैलेंज करता है इस एरिया पे। नॉट की एक और टीम छोटा थुआ पे, तो यहाँ पे नॉट ऑफी नॉट ट्रेटर्स हम लोग को दिखाई देगी। नॉट ट्रेटर्स की फाइट यहाँ पे गैंगस्टर से जरूर होगी, क्योंकि गैंगस्टर भी इसी एरिया पे लूट करती हुई हम लोग को दिखाई दी थी, तो देखते हैं वो फाइट्स कैसी होती है, काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है ये फाइट्स हम लोग को देखने में गैंगस्टर के चाहते। तो यहाँ पे इनिशियल शॉट्स एक्सचेंज हो चुके हैं, देखते हैं कितने अच्छे टेरेस के साइड, क्योंकि यहाँ पे गैंगस्टर के जार्ड के पास और जेराज के पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, तो देखते हैं उसका कैसे यूटिलाइज करते हैं। थंडर आएंगे आगे बढ़ते हुए हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, थंडर अपनी फार्मर्स कैरी करेंगे।
अनन्या, यहाँ पे टीम हॉक नाइट नॉट के ट्रेटर्स की टीम, ये काफी अच्छी टीम है, काफी अच्छे से परफॉर्म करना जानती, बट देखते हैं इस बार कैसा परफॉर्म करती है। काफी स्ट्रॉन्ग टीम, उनके अपोनेंट में रिम है, मतलब अपनी टीम को पीआर वाइको गेमर्स को इसी एरिया पर लेके आएंगे। और नॉट की दूसरी टीम जो कि हमारी नॉट ऑफिशियल क्राउन ओपी ने यहाँ पे डैनी राजपूत को फिनिश कर दिया। टीम हंटर्स यहाँ पे फाइट्स लेने के लिए रेडी, एक और टीम उन लोगों को यहाँ पे दिखाई दी थी, तो बीए स्पोर्ट्स और यहाँ पे टीम हंटर्स। और नॉट के अर्नब ने कैदेव की किल कंफर्म कर ली है, सॉरी जयराज, नॉट के वैभव की भी कंफर्म हो गए, थंडर यहाँ पे किल कंफर्म कर, जयदेव फिनिश हो चुके हैं, जयराज यहाँ पे फाइट ले रहे हैं कॉन्टिन्यूस तरीके से, तो देखते कितनी अच्छी फाइट्स होती। जाट अपनी टीम को ऊपर से कवर फायर देते, तो ये काफी अच्छा कवर फायर देते हुए तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे टीम रोटेशन पे दिखाई देगी। यहाँ पे एक प्लेयर का लॉस हो चुका है, टीम गैंगस्टर को एक अच्छा शॉट लिया है थंडर ने, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉकआउट कर लिया, नॉट के ट्रेटर्स के एक प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं। देखते हैं अब थंडर कितने अच्छे ऑक्स और नॉक निकाल पाते हैं यहाँ पे इस एरिया पे, निंजा बचे हैं, आर के क्वीन भी नॉकआउट है, नॉट की ट्रेटर्स की टीम यहाँ पे निंजा अकेले बचे और पूरी बैकफुट पे आती हुई दिखाई दी है। लेवल टू की वेस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 एचपी पे सर्वाइव कर रहे हैं, क्या उनकी किल कंफर्म की जाए, क्या इस एरिया से वो सर्वाइव करके निकल पाएंगे, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता हुआ नॉट की टीम के लिए। ट्रेटर्स काफी ज्यादा बैकफुट में और मे भी यहाँ पे पहली टीम हो सकती है जो एक एग्जिट देखने को मिल सकता है। पी आर वाई के गेमर्स भी आती है यहाँ पे थर्ड पार्टी में हम लोग को दिखाई देगी और क्रैश लास्ट किल कंफर्म करेंगे नॉट की ट्रेटर्स की निंजा की। यहाँ पे पी आर वाई के गेमर्स फाइनली नॉट ट्रेटर्स को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे गैंगस्टर वर्सेस अब पी आर वाई के गेमर्स होने वाला है। रिमा एक अच्छा पोजिशन होल्ड कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हुए गैंगस्टर के वो एक जबरदस्त हेडशॉट आता है प्रो किरण को और जाट को फिनिश करेगा साइबर जाट को, जबरदस्त हेडशॉट यहाँ पे। तो रिम टीम पी आर वाई के गेमर्स भी इस बार अपनी पुरानी परफॉर्मेंस को कैरी करते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई, तो यहाँ पे टीम सॉरी नॉट ऑफिशियल को दिखाई देगी मिल्क एरिया पे लुक करें। मिल्क एरिया में एक और टीम को दिखाई दी थी जो कि हमारी आईज स्पोर्ट्स की ब्रावो टीम दिखाई दी थी, तो देखते हैं आईज स्पोर्ट्स से यहाँ से फॉल बैक किया गया है। यहाँ पे नॉट की ऑफिशियल टीम है, जयराज अकेले बचे, गैंगस्टर के लिए भी बहुत जल्दी अर्ली एग्जिट देखने को मिल सकता है, जयराज ऑलमोस्ट फिनिश, तो यहाँ पे टीम पी आर वाई के गेमर्स थर्ड पार्टी में पूरी कंफर्म करेगी, तो टीम गैंगस्टर भी यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई दिखाई दी, तो दो टीमें यहाँ पे एलिमिनेट हो गई है नॉट ट्रेडर्स और यहाँ पे गैंगस्टर पूरी तरह से एलिमिनेट होती है। बहुत अर्ली एग्जिट देखने को मिला है दोनों ही टीमों से यार हम लोग को यहाँ पे। टीम फोर ब्रदर्स ग्रेवयार्ड के एरिया पे अपनी इजिली लूट करेगी, तो यहाँ पे उनको कोई चैलेंज नहीं करने आएगा, तो यहाँ पे वो अपनी कामली लूट कर सकते हैं, बहुत ही इजिली लूट कर सकते हैं। टीम हंटर्स के पो तो यहाँ पे सल्लू यहाँ पे फिनिश हो गया टीम हंटर्स की तरफ से, तो यहाँ पे उनको एक कैजुअलिटी मिल चुकी है। बीए स्पोर्ट्स के टैडी राजपूत को कंफर्म कर लिया गया, बीए स्पोर्ट्स यहाँ पे फॉल बैक कर चुकी है, सेंटोसा के एरिया पे पहुंच चुकी है, तो देखते हैं अब वो इस प्रकार किस जगह से रोटेशन डालती है। यहाँ पे टीम टैरो आ रही बहुत ही इजिली फन वे वेल अपनी लूट कंप्लीट करती हुई दिखाई दे रही है। परमिशन नहीं मिला है, सस्पेंड किया है, अदर फाइट देखते हैं बाद में भी जब स्ट्रीम खत्म कर लेंगे तब देखते हैं। हिट्स अक्षत दिखाई देंगे टीम टैरो आर्मी की तरफ से, ओपी चक्रेश टीम को लीड करेंगे, देखते हैं कितने अच्छे से लीड कर पाते हैं आइस स्पोर्ट्स के ब्रावो। यहाँ पे टीम आती हुई केराटन के एरिया पे लूट करेगी, एज ऑफ द जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको होल्ड मिल जाएगा, अपनी स्ट्रेटेजी को देख सकेंगे कि कैसे रोटेशन चलेंगे, जोन शिफ्ट किधर है, तो यहाँ पे उनको काफी अच्छा टाइम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी इधर साइड कोई भी टीम आपको चैलेंज करती नहीं दिख रही, बट टीम हंटर्स अगर रोटेशन काटती है जोन के अंदर तो वहां पर टीम आईज स्पोर्ट्स ब्रावो अच्छी खासी किल हम लोग को मिल सकती है देखने को, तो देखते हैं वो कैसे किल्स निकालते हैं। यहाँ पर टीम बीए स्पोर्ट्स फाइनली फॉल बैक करी, पोजीशन पॉइंट अपने लिए कुछ इकट्ठा जरूर करना चाहेगी, क्योंकि अर्ली स्टेज में एग्जिट नहीं चाहती कोई भी टीम बिना किल्स के, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर कुछ किल्स बटोर लेना भी ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टीम फोर ब्रदर्स बहुत ही सबसे सेफ पोजीशन में यहाँ पे टीम फोर ब्रदर्स हम लोग को दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। अगर वो कोटलिस्टो के एरिया पे रोटेशन डालते हैं तो वहां पे उनको टीम पी आर वाई के गेमर्स मिल सकती है, पर देखते हैं वो कैसे फाइट्स निकलेंगे। अगर वो फाइट होती है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि पी आर वाई के गेमर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जोन के अंदर पहुंचने वाली है और टीम फोर ब्रदर्स को जोन के अंदर एंट्री लेनी है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाली सिचुएशन होगी। तो देखते हैं टीम फोर ब्रदर्स कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करती है और अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करती है, कि कैसे हम लोग को रोटेशन डाल दी और कैसे फाइट्स को निकालना है टीम पी आर वाई के गेमर्स से, अगर ये फाइट हम लोग को देखने को मिलती है तो। उसके बाद चलेंगे टीम हॉक नाइट। टीम हॉक नाइट में यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ दिख रहे, पूछे नॉक का एरिया आराम से लूट करेंगे, सब चिल मार के कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हुए बहुत आराम से लूट करेंगे। तो नॉट ट्रेटर्स में आरके क्वीन को हमने इनवाइट नहीं किया, ओके ठीक है।
किसी और ने किया था इनवाइट करके कोई को, कोई बात नहीं, आप लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया ठीक है, आप लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया ये चीज़ ठीक है, बस एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो दे दी। तो टीम एच हॉकनेट बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन पे, बी ए स्पोर्ट्स यहाँ पे ब्लू जोन के एरिया पे एक्सेस कर चुकी, तो यहाँ पे उनको एक एम ए टू बी मिल सकती है, एक या दो एडमिट टू बी मिल गई, तो यहाँ पे टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक या दो एम ए टू बी लेते हैं तो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी टीम के लिए, और आपको काफ़ी अच्छी किल्स मिल सकती है, वॉल के पीछे की किल्स आपको बहुत ईजिली मिल सकती हैं अगर आपकी टीम में एक अच्छा स्नाइपर है, तो मे बी यहाँ पे डेर मिल या निखिल मॉम यहाँ पे डबल वेक्टर करेंगे, तो अहमद को यहाँ पे एम ए टू बी को कैरी करना चाहिए मेरे हिसाब से। टीम हॉक नाइट बहुत सेफ आराम से लूट करती हुई स्ट्रेटजीज बनाएगी यहाँ पे और आराम से लूट करके आगे बढ़ेगी, हम लोग को दिखाई देगी। टीम हंटर्स जोन की एज पे यहाँ पे उनको टीम आईसी स्पोर्ट्स ब्रावो चैलेंज कर सकती है, आईसी स्पोर्ट्स ब्रावो पिन करके बैठे हुए यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, पिन करके बैठेंगे यहाँ पे, तो स्पॉट जरूर कर लिया आईसी स्पोर्ट्स ब्रावो ने प्लेयर्स को, देखते हैं टीम हंटर्स के ऊपर कब उनको बैकफायर देते हैं और उनको कब धप्पा दिया जाता है। टीम हंटर्स स्पॉटेड है, ऑलरेडी स्पॉटेड है यहाँ पे, देखते हैं कितनी अच्छी फाइट निकाल रहे। आरडीएस कहाँ है, आरडीएस का मैच इसके बाद है, टीम हॉक नाइट यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रही है, अनन्या स्ने प्रिंस और हर्ष दिखाई दे रहे हैं। टीम हंटर्स के प्लेयर्स अभी भी लूट कर रहे हैं जोन के अंदर, वो अपनी लूट कंप्लीट कर रहे हैं, सो कुछ सेटिस्फाई होना चाहते हैं अपने लूट से। टीम फोर ब्रदर्स रोटेशन कार्ड के बीमा सत्य स्ट्रिप पे आ गई है, फाइनली यहाँ पे बीमा सत्य स्ट्रिप पे आ गई है। टीम पिया वाई के गेमर्स कोचिनॉक के एरिया पे हम लोग को दिखाई दे, तो कोचिनॉक के एरिया पे एक और टीम थी जो कि एच के की टीम थी और प्रियांशु कुछ अच्छे शॉट्स कनेक्ट हुए हैं, तो देखते हैं टीम पी आर वाई के गेमर्स के प्लेयर्स उनको कैसे कवर फायदा देगा। लकी वाई डी को फिनिश कर लिया, तो पी आर वाई की टीम टैरो आर्मी भी इसी है, तो यहाँ पे ट्रिपल फाइट होते हुए टीम टैरो आर्मी सैंडविच होती हुई एच के स्नेक कंफर्म करेंगे अक्षित को, यहाँ पे ओपी चक्रेश देखते हैं कैसे फायर्स लेते हैं अपने टीममेट्स को बचाने के लिए। यहाँ पे टू मैन स्ट्रॉन्ग बची है, देखिए टू प्लेयर्स ही अलाइव कर रहे हैं, तो देखते हैं चक्रेश यहाँ पे फॉल बैक करते हैं। मनीष को कॉल नहीं मिली आई थिंक यहाँ पे अभी तक, और मनीष को कॉल नहीं मिली जिसकी वजह से चक्रेश अकेले यहाँ पे रोटेशन काटते हो, तो वन मैन स्क्वाड खेलना चाह रहे हैं एच के की टीम भी इसी एरिया पे पोचिनॉक पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे हम लोग टीम पी आर वाई के गेमर्स भी इसी एरिया पे, तो तीन टीमें यहाँ पे बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो देखते हैं पी आर वाई के गेमर्स कितने अच्छे नेट, तो एक अच्छा नेट को किया और कनेक्ट भी करेंगे, 77 का डैमेज डील किया। यश को कॉल आ गई होगी, रश करिए आप, तो देखते हैं यश का रश कितना अच्छा होता है। यार वाई के गेमर्स कंटिन्यूअस रिमे यहाँ पे अपने टीममेट्स को कवर फायर देना, ग्लू वॉल्स को तोड़ा जा रहा है और रिमे एक अलग ही फ्लाइंग एंगल पे दिखाई दे रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टीम और थी टैरो आर्मी कैसे इस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होती है, और फाइनली टीम टैरो आर्मी यहाँ से फॉल बैक करती हुई हम लोग को दिखाई दे रही है। एच के से पूरी फाइट इमोर्टल आए आएंगे, टीम टीएच के पों को फिनिश करेंगे, तो यहाँ पे टीएच की टीम से फाइट हो गई है टीम आईजी स्पोर्ट्स ब्रावो की, तो वो काफी अच्छा है। देख रहे हैं कि टीम टीएच टीम हंटर्स कैसे फाइट लेती है यहाँ पर, टीम आईजी स्पोर्ट्स ब्रावो के चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करती है, क्या उसको तोड़ के आगे निकल पाएगी। आईस स्पोर्ट्स के प्लेयर काफी पूरे हर एक एंगल पे तैनात दिखाई दे रहे हैं हम लोग को, तो वो फाइट्स काफी मुश्किल होने वाली। टीम हंटर्स के जोन भी पनिश करने वाला है थोड़ी देर में, यहाँ पे रॉकर्स को कुछ अच्छे शॉट्स हैं बट फाइनली हील अप कर लेंगे, उनके पास इनफ एचपी है। यहाँ पे लेजेंड बोलते आएंगे किल फील्ड में, नॉट के प्लेयर्स भी यहाँ पे फाइट लेजेंड बोलते अकेले बचे, तो नॉट ऑफिशियल भी काफी ज्यादा दिक्कत में दिख रही है, और फाइनली फिनिश होंगे टीम फोर ब्रदर्स आएंगे, नॉट ऑफिशियल को फिनिश करती हुई दिखाई दी हम लोग को। टीम फोर ब्रदर्स भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ यहाँ पे पी आर वाई के गेमर्स अभी अपनी फाइट को होल्ड में किया हुआ है। टीम एच के और पी आर वाई के गेमर्स की फाइट काफी ज्यादा होल्ड में दिखाई दे रही है, दोनों टीम काफी ज्यादा होल्ड करके अपने पोजिशन को रखा है, और कोई भी अपनी टीम पोजीशन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। पी आर वाई के गेमर्स डिफरेंट एंगल से ट्राई कर रहे हैं बट कोई भी नॉक्स नहीं निकाल पा रहे, अभी तक कोई नॉक्स नहीं निकाल पाए टीम एच के ऊपर। वहीं चलेंगे ये फाइट के ऊपर टीम हंटर्स की फाइट, हंटर्स ने यहाँ पे फॉल बैक करने का डिसीजन लिया है, आईजी स्पोर्ट्स ब्रावो उनको जरूर पीछा करना चाहेगी यहाँ पे। आईजी स्पोर्ट्स ब्रावो यहाँ पे फॉल बैक करती हुई हम लोग को दिखाई दिया है कोटा तुआ पे एरिया पे, तो जोन के अंदर एंट्री लेगी यहाँ पे कोटा तुआ से, तो देखते हैं कितनी अच्छी रोटेशन होती है उनके लिए, फेवरेबल होती है अनफेवरेबल होती है ये कंडीशन और ये रोटेशन उनके लिए।
एमपीए ईस्पोर्ट्स मार्स इलेक्ट्रिक के एरिया से रोटेशंस काटेगी यहां पे, तो एमपीए ईस्पोर्ट्स यहां पे एक प्लेयर को स्पॉट करी, आई थिंक यार टेरो आर्मी के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया गया है, और टेरो आर्मी के लिए यहां पे थोड़ी देर चक्रेश को स्पॉट किया, यहां पे निखिल मॉम ने डबल वेक्टर कैरी करेंगे, मनीष एंड चक्रेश के लिए दिक्कत और चक्रेश को नॉकआउट किया फाइनली टेरो आर्मी के एक प्लेयर, मनीष के लिए बहुत मुश्किल है, मनीष को देखते हैं किल। ओके यहां पे मनीष का ट्रिगर डिसिप्लिन यहां पे दिखाया दे, उनको यहां पे फॉल बैक करना चाहिए था बट फाइनली उन्होंने शॉट लिए और एमन आएंगे उनको कंफर्म करते, तो टेरो आर्मी यहां पे एलिमिनेट होती हुई दिखाई दी हम लोगों को फाइट पे, बीए स्पोर्ट्स आएंगे उनको एलिमिनेट करते हुए, तो यहां पे काफी ज्यादा टीम स्ट्रांग दिख रही है हम लोगों को, टॉप की टीमें देख लो, एचके के प्रिंस आएंगे प्रोग्रेस को फिनिश करेंगे, तो यहां पे टीम एचके की फाइट हम लोग को होती हुई दिखाई दे रही है, देखते हैं अब आगे इस फाइट को स्पेक्टेट करेंगे। अरण्य आएंगे एक और किल कंफर्म कर दो, पीआरवाई के गेमर्स के प्लेयर थोड़े से दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे धूप, तो टीम पीआरवाई के गेमर्स पूरी फिनिश होती हुई यहाँ पे, तो एचके आएगी पूरा एलिमिनेट करेगी टीम पीआरवाई के गेमर्स को, टीम फोर प्लस के दावा फिनिश हो चुके हैं यहाँ पे इन सब फाइट्स में। सो यहाँ पे टीम पीएच टीम हंटर्स पूरा फाइनली एलिमिनेट होती हुई, जोन से एलिमिनेट हुई, तो यहाँ पे इस टूर्नामेंट में जोन से एलिमिनेट होना आपके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होता है कि अगर आप इतना अच्छा खेलते हो और फाइनली आप जोन से स्टेज में एलिमिनेट होते हो तो काफी बुरा लगता है, बट अभी आपके पास एक मैच है, आप अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। तो 14 प्लेयर्स बचे हैं, तीन टीमें अभी हम लोग को दिखाई दे, ओके तीन टीमें, तो चार टीमें यहाँ पे अलाइव दिख रही है, टीम आइस स्पोर्ट प्रो यहाँ पे फोर मैन स्ट्रॉन्ग, बाकी टीम्स में एचके फोर मैन स्ट्रॉन्ग, तो बाकी टीमें तीन तीन प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, थ्री मैन स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे, और जोन जो कि है फाइनली पोचिनो पे फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे कवर्स आपको सफिशिएंट मिल जाएगा, बट यहाँ पे कवर्स से नॉक निकालना टीमों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो देखते हैं बाकी टीमें कैसे अपने आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालती है और नॉक्स निकालती है यहाँ पे। तो ये फाइट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, एचके की टीम हम लोग को बहुत ज्यादा सेंटर हाउस होल्ड के रखा है, अगर यहाँ पे कुछ अच्छे किल्स निकाल लेते हैं तो यहाँ पे उनके लिए काफी ज्यादा आराम से वो इस मैच को जीत सकते हैं, उनके झोली में पड़ा बीए स्पोर्ट्स रश कर चुकी है टीम एचके के ऊपर, फाइनली एक नॉक निकाला और अहमद ने किल कन्फर्म कर लिया एचके हर्ष का, तो निखिल मोम आएंगे रश कर चुके टीम एचके के ऊपर, टीम एचके थोड़ी सी दिक्कत में दिखाई दे रही है, अनन्य आ गए, प्रिंस खड़े हैं और उसने भी एक जगह पे या प्रिंस ने एक बहुत अच्छा नॉक निकाला है डबल वेक्टर के ऊपर अगेंस्ट खेला और एक प्रिंस का अच्छा शॉट लिए, बट देखते हैं कब तक बच पाए, अनन्य आएंगे पीछे कवर देंगी और यहाँ पे एचके की पूरी टीम यहाँ पे भी है स्पोर्ट्स को एलिमिनेट, तो काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटिव खेला टीम एचके ने, पोजीशन होल्डिंग और का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया है टीम एचके ने, कैसे आप रश को हैंडल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके दिया, प्रिंस नॉकआउट हो गए बट उनको रिवाइव मिल जाएगा, टीम इमॉर्टल पूरी ओके टीम आइस स्पोर्ट्स सारी फाइट्स को वॉच कर रही है और बहुत आराम से वो चाहती है इसकी टीम मैच में वो पोजीशन पॉइंट बटोर ले, पोजीशन पॉइंट बटोरने के लिए टीम आइस स्पोर्ट्स पूरा रेडी है और पीछे से बैक स्टेप करने के लिए आगे टीम फोर ब्रदर्स और टीम हॉक टाइड्स को, यहाँ पर ग्रेनेड्स की बारिश हो चुकी है टीम फोर ब्रदर्स की तरफ से, तो देखते हैं कुछ ग्रेनेड कनेक्ट होते हैं या नॉक्स निकलते हैं कि नहीं, एच के थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि उनके लूट वेस्ट और हेलमेट यहाँ पे थोड़े से डैमेज हो चुके हैं, अनन्या के हेलमेट और वेस्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं, तो वेस्ट हम लोग को दिखाई नहीं है, हेलमेट भी थोड़ा सा डैमेज है, स्नेक अच्छा ग्रेनेड को करे क्या ये कनेक्ट होगा टीम फोर ब्रदर्स के ऊपर, पर ट्रोल लगा के अपने टीम मेट को बचाया जाएगा टीम फोर ब्रदर्स की तरफ से, टीम आई स्पोर्ट्स यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए पूरा पूरा बैठी और पूरी फाइट को ऑब्जर्व कर रही है, साउंड आ रहे हैं आई थिंक मेरे साथ टीम आई स्पोर्ट्स को पूरे साउंड आ रहे हैं कि यहाँ पे गन फाइट्स हो रही है, पर टीम आइस स्पोर्ट्स यहाँ पे इंगेज नहीं करती, पूरा पीक एम बना के रखता है बट फाइनली शॉट आता है टीम आइस स्पोर्ट्स के बीच, तो स्पॉट कर लिया गया है टीम फोर ब्रदर्स की तरफ से यहाँ पे आइस स्पोर्ट्स को भी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इसका बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि तीन टीमें हम लोग यहाँ पे दिख रही है, थ्री वर्सेस फोर है, तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे कुछ नॉक के एरिया पे, देखते हैं कैसे फाइट्स निकालती है टीम आइस स्पोर्ट्स क्योंकि यहाँ पे चार मैन फोर मैन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे मैन टू मैन एडवांटेज तो यहाँ फोर टीम आइस स्पोर्ट यहाँ पे मुझे जीतती लग रही, बट देखते हैं कभी पासा पलट सकता क्योंकि कल के मैचेस में देखा था सोलो मैन ने यहाँ पे भूया निकाला था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली थी टीम फोर ब्रदर्स, बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलती हुई थोड़ा सा दिखाई दिया अभी तक, तो फिलहाल जब उन्होंने नॉट की टीम को एक यहाँ पे एलिमिनेट किया था उसके बाद से यहाँ पे एचके को ग्रेनेड्स की तुरंत बारिश होती, बड़ी इशू को नॉकआउट किया, एक एसवीडी का अच्छा शॉट आएगा टीम एचके की तरफ से, आई थिंक कन्फर्म कर लिया जाएगा यहाँ पे लोन के टीम फोर ब्रदर्स के प्लेयर को, बट देखते हैं कुछ अच्छे ग्रेनेड्स को किए गए टीम फोर
हॉक राइड्स की तरह यहाँ पर स्नेक का रश होता हुआ, टीम हॉक राइड्स रश करेगी, स्नेक सबसे पहले आएंगे, प्रिंस कुछ ग्रेनेड तो करें, देखते हैं क्या कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आईज स्पोर्ट्स भी पीछे तैयार है, आपको जल्दी इस फाइट को फिनिश करना ही होगा। टीम एच के ग्लो वॉल सा कवर बना लिया गया टीम फोर ब्रदर्स की तरफ से, देखते हैं कितने अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाते हैं पोजीशन को, एक अच्छा एंगल मिलता हुआ सोल को, बट एच के प्रिंस आएंगे वीआईपी आई को, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पूरी तरह से हो गई, टीम आईज स्पोर्ट्स इस फाइट में आ गई, रॉक इमोर्टल आई, तो यहाँ पे वीआईपी आई ने रश किया था तो वो फिनिश हो गया उनका एक गलत रश, टीम आईज स्पोर्ट्स को 3-on-3 पे ले आया है, तो यहाँ पे 3-on-3-on-3 हो चुका है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग मैच जाता हुआ, क्या एच के इस मैच में भूया निकालेगी क्या, टीम फोर टू दस कमाल कर, इशू नॉक हो चुके हैं, इशू को रिवाइवल देना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, आई थिंक तोल ट्राई कर रहे हैं ग्लू वॉल तोड़ के अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने का, बट एच के प्लेयर भी उसी जगह फाइट ले रहे हैं, और यहाँ पे टीम फोर टू दस ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो यहाँ पे टीम फोर टू दस से सोल अकेले बचे, अब देखते जोन भी आ रहा है, उनको जोन के अंदर जाना है, देखते फाइट्स कैसे होती है, वन वर्सेस रॉक भी नॉकआउट हो चुके, फ्लेम आई अकेले बचे, डबल वेक्टर कैरी किए क्लोज रेंज में, और यहाँ पे एक फ्लैश बैंक अच्छा डाला गया था टीम एच की तरफ से, फ्लैश बैंक का एक अच्छा यूज, यहाँ पे टीम फोर ब्रदर्स के प्लेयर सोल यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत अच्छी कर सकते हैं, बट एच के की टीम यहाँ पे फाइनली बूया लेती हुई, तो यहाँ एच के बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस में बूया निकालती हुई हम लोग को दिखाई थी, क्या ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, पोजिशन होल्डिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाया टीम एच के ने हम लोग को, यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाया टीम पोजिशन होल्डिंग का, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा मैच, मजा आ गया। UIDAF किलर, तो जिसने यार लाइक नहीं किया यार, इतनी जान लगा दी भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, हेलो जा मैं रूम बनाने जा रहा, ठीक है जो साहिल, हेलो हेलो, दूसरा रूम बनाया दूसरा, अच्छा हम तो म्यूजी वाले आईडी से बना ले, ठीक है तो वेट, हम दूसरा रूम बना रहे हैं, हम दूसरा रूम बना रहे हैं, डीसी आप चाहिए तो वेट, हम लोग दूसरा रूम बना रहे हैं, आईडी पासवर्ड डाला जा रहा है, वेट करिए आप थोड़ा सा, हमने भी खेलना है, तो लाइव चैट पे वीडियो का लिंक है जाके, भाई बढ़िया खेल भाई, इमोर्टल्स वालों के हाथ में था पूरा, देता है वालों के हाथ में था मैच, उन लोगों ने दे दिया भैया, जाओ तुम रख लो भैया, हमको नहीं चाहिए, वो वीआईपी आई का गलत रश हो गया वहां पर, रश उसने गलत कर दिया, अरे रश गलत नहीं हुआ उनको, जहाँ पे कैसा उनका एक प्लेयर पहले नॉक हो गया, ठीक है वो तो अलग जाना नहीं चाहिए था उसको, ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में जो मैन डाउन हुआ था इनका लीडर, वहां पे उसको रिवाइव मिल सकता लेकिन वो रिवाइव ही नहीं दे रहे थे, और पता है इन लोगों के टीममेट्स का माइक ही नहीं खुला था, ये लोग क्या बोलते पंच मार के दूसरे को कॉल दे रहे थे कि भैया ट्रीटमेंट मारो, मेरे को तो ऐसा लगा उनका बॉडी लैंग्वेज देख के, हम भी खेल सकते क्या, हमें भी खेलना है, लाइव चैट पे जो वीडियो का लिंक है जाके देख लो, आप रजिस्टर कर सकते हो, मुझे डाकता मगर एच के बहुत अच्छे से खेले, होल्ड बहुत अच्छा किया, एच के वाले होल्ड बहुत अच्छा कर, अहमद ने भी गलत रश किया, नहीं उनका रश सही था बट कोऑर्डिनेटिव नहीं था, समझे कोऑर्डिनेटिव नहीं था, पोजीशन क्या था, नहीं लोल वाले मार गए होते इनको, लेकिन लोल वाले डर के खेल रहे थे, हाँ थोड़ा होल्ड करके ज्यादा खेल रहे, उनको पता था कि अभी भैया यहाँ पे फाइट हुई और एक स्कॉट स्वाइप हुई है, तो उनको उसी टाइम तुरंत घुस जाना चाहिए था, अरे दो नेट डालते तुरंत घुस जाओ, एक प्लेयर से दो नेट डालो बाकी घुसो, बस उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस लीडर चाहिए रहता है, नहीं था उनके पास लोल वालों के पास, उनका ही गंगास्टर, आई एम वेरी अपसेट विद गंगास्टर, हम भी खेल सकते हैं क्या, यस ब्रो आप खेल सकते हो,
मैं आईडी पासवर्ड डाला तुम वहां से उठा लो ठीक है, मैं आईडी पासवर्ड डाल लो तुम वहां से उठा लो। एक कौन था बे मैंने म्यूट किया यार, कोई नहीं मूव मजा आया बगा, फिर भी बीए स्पोर्ट्स सही पोजीशन होल्ड कर गई समझे। नहीं नहीं वो सही गुस्सा, उसने नॉक निकाला अहमद ने, उसने किल कंफर्म की, वो चीज सही था, बट रश के टाइम पे ना थोड़ा सा नेट वगैरह करना चाहिए आप लोग। चलो अब और मजेदार मैच है एनलाइटेंड का, और मैच काला हारी है मैप, जो थर्ड पार्टी हुई ना सेंटोसा और पीक से अलग अलग कोटा तुआ, एक टीम अलग थी। हाँ वो पीआर वाई के गेमर्स वहां से रोटेशन डाल के कोटा तुआ पे आई और वो लोगों को ले गई। यार एक बात बताओ, जो अगर ना जैसे अहमद की टीम ने स्टार्टिंग में केप टाउन कोटा के एक बंदा मारा, उसने मारा तो वो पहले मर गया उसके नॉक फिनिश होने से पहले, पर बाद में वो फिनिश हो गया तो किल काउंट होगा? अरे उसके नंबर पे दिखाई देगा तो बस काउंट होगा वो, कुछ मैटर नहीं कि तुम्हारा नॉक निकाला किसी और को पिंच लगे, वो हमें कोई मतलब नहीं। लास्ट रिजल्ट में जिसके पहले मर गया और किल भी आ गया, किल उसके उसके नंबर पे आ गया तो बस किल है काउंट होगा समझे। जो रिजल्ट में जिसके पास जितनी किल लिख के आएंगे उतना काउंट होगा, बाकी हमें किसी दुनिया सारी से मतलब नहीं। तुम नॉक हुए, तुमने नॉक किया जिसको और तुम भी नॉक हो गए, लेकिन तुम अगर पहले क्लियर हो गए और जब तक तुम्हारा क्लियर होने का जब तक तुम अपने टीममेट को नहीं देखते हो ठीक है, नॉक होने का जब अपने टीममेट को उस पेशेंट के टाइम में जाने से पहले अगर तुम्हारा डाउन किया हुआ एनिमी मिल मर गया तो तुमको किल मिल जाएगा। अरे क्वालीफाई हो जाओगे। ए काउंटलेस को आईडी पासवर्ड दे दे, उनको भी देना है क्या? अरे देवा रे देवा, हां देता हूं। किंग ऑफ गेमर्स श्रीनाथ क्रशर्स मॉर्टल निशान अर्डिक सत्यम, लेजेंड की टीम का मैच है ये। एक्सेल अब जीत कौन भी बोलो, सैटरडे को 2v2 करोगे बदला बदल की 2v3 करोगे? अरे तुम्हारा जो मनो वो कर लेना यार, गुलागंज तुम्हारा जो मनो वो कर लेना। तो भाई जिसने यार लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो यार करो, ऐसे टूर्नामेंट हम लोग बहुत सारे करवाते हैं, लाइव चैट में वीडियो का लिंक पिन है जाके देख लो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं यार, वो हम लोग देख लेंगे, वो हम लोग देख लेंगे, उसका नहीं मिलेगा आपको, परेशान मत हो। ये किसकी टीम है फिर? जे आई है बॉस उसकी, जीएनटी की टीम है, टीम जीएनटी आई है। हाँ हाँ ठीक है, परेशान ना हो, नहीं मिलेगा उसकी जगह, परेशान ना हो, इन्फॉर्म कर दिए। रजिस्टर कर लेना ठीक है, खिला लेंगे, परेशान ना हो, सबके लिए खुला रहेगा। ए निशान तेरा बहुत अटक रहा है, निकल निकल के, बहुत अटक रहा है तेरा। कोई नहीं हम लोग इन्फॉर्म, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सवाल लेंगे। इन्फॉर्म कर दिया आपने एटलीस्ट कि हम लोगों ने नहीं बुलाया था, ठीक है सही है ना। बाकी टीमें गई कहाँ? मुझे बुलाना, मैं जरा अपनी ना दूसरे मेन आईडी, मैं भी मेन आईडी से नहीं हूँ समझे। ओ तुम तीन, अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, अरे हुला गज तुम में इतना कॉन्फिडेंस कब से आ गया कि 2v3 हमसे करोगे? कहाँ से आ गया? अरे हम खेलेंगे नहीं, चलो हम अपने टीममेट्स को भेज देंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, चलो बताओ क्या करोगे? हाँ रोगे भाई तुम, 2v2 जीतो पहले, 3 जीतना चाहिए। ये एंटी वो चिट्टा, ये नो उसकी टीम है, ये निंजा आर्मी है शायद, हमें लग रहा है ये निंजा आर्मी है। नहीं नहीं ठीक है, नॉट नो नेम टीम, नो नेम नहीं, नो नेम तो नहीं है, नो नेम तो ये है। अबे ग्रुप टीम एनलाइटेड है, नो नेम है, नॉट आर्मी, काउंटलेस काउंटलेस आ गए, आरडीएक्स आर्मी, क्रिमिनल्स, क्रशर्स, टीम जायंट्स, किंग ऑफ गेमर्स।
अबे कल होगा और क्या कहते हैं लेजेंड की टीम वर्सेस अहमद की टीम, मजा आए। चलो हम तो उसे भाई 2 मिनट रुक जाओ, अरे 2 मिनट नहीं अभी बहुत टाइम है, आराम से। तो एक पेटी बनाएंगे, हाँ बना देना भाई बना देना, हम कह रहे तू बनाना, बस हैकर मत लेके आना। अगर हैकर लेके आया तो बैन भी करवाएगी। तो भाई जिसने यार अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग भाई? एनलाइटन वाले ट्रेनिंग ग्राउंड में घुसे पड़े, बहुत गंदा मारेंगे। खैर आओ रुको, आ रहा हूँ रुको भाई, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। अबे ये लेजेंड कहाँ घुसा है भाई, लेजेंड ने रुक निकल इधर से, रुको मैं उसको कॉल मार के। तुमसे न हो पाए कब होगा भाई? साइटी में एक गेमर, ये उसकी टीम थी, नो नेम थी, गेमर वाली नो नेम थी, बहुत मारी थी भाई पिछले मैच में, बहुत मारी थी भाई पिछले मैच में, फर्स्ट मैच में उसको बहुत मारा था इसने, दौड़ा दौड़ा के मारा था। भाई टीमो जल्दी आ जाओ जल्दी यार, आप लोग जीजी स्पोर्ट्स भी नहीं आई यार, और ये आरडीएक्स वाले आ गए। अरे मैं जब से तुमको बोल रहा हूँ बाहर फेंको बाहर फेंको, एक नंबर स्लॉट पूरा खाली करो। क्यों करो करो, कोई रजिस्टर्ड नहीं है दोनों में से, पूरा गेमर से बुलाया कौन है त्रिपुरा गेमर को? तेरे टीम नेम पूछ रहे थे हम प्यार से, सही बना बताते तो ये अभी ये टीम थी ना, ये R2K डेविल वाली खेल रही थी उस दिन, खेली थी ना नहीं खेली है आदि गेमर बैठी, ये नो नेम है शायद, ये नो नेम है, हाँ ये नो नेम है, ये नो नेम है, अरे इसी ने तो बहुत मारा था भाई, टीम तो बहुत मारा था, यही तो वो टीम है, टीम बॉट आर्मी भी आ रही है। देखो एवरेज निशान सब्स्टिट्यूट है आइकॉनिक की जगह, ठीक है ठीक है ठीक है, आर्टिक्स वाले पूरे आए और भाई चलो दो से हम दो तुम चार। अरे भैया भाई अकल बेच खाए हो क्या गूगल? अरे हुला गए, तुम 2 vs 4 मेरी स्क्वाड से करोगे तो हम चार। अरे यार अभी रैम बनाया तो मेरे को फिर से बना क्या है? सात तुम दो हम चार, अपने औकात में रहो मेरे यार। नहीं नहीं रहने दो छोड़ छोड़, रैम वैम ना बना, एडी नहीं आएगा क्या इनकी टीम से? एडी नहीं खेल रहा क्या? एडी खेलना चाहिए ना, एडी तो खेल रहा होगा। ये नो नेम है, अबे एनलाइटेड वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको तो FF का ऑफिशियल कास्टर होना चाहिए या भाई, कोई बुलाता ही नहीं है यार, असली टैलेंट की कदर नहीं हो रही, देख रहा हो भाई असली टैलेंट की कदर नहीं हो रही है। कभी ना कभी ट्राई जरूर करेंगे कास्टर, अच्छी जगह कास्ट करेंगे, फिर व्यवहार बनाया जाएगा, मतलब सोर्स लगवाया जाएगा। बोला था पहले से मेरे स्क्वाड लेके आऊंगा, अभिजीत भाई पहले से बोला था स्क्वाड को किक क्यों किया? तुम्हें आईडी पासवर्ड किसने दिया ब्रो ये बताओ, तुमको आईडी पासवर्ड किसने दे दिया? अरे पागल हो क्या भाई, रजिस्टर किए सेमीफाइनल में जो पैच
पहुंची टीम में खेल के, वो क्या पागल नहीं क्या भाई, उनको गधा समझ रखा है क्या है? बिल्कुल फुल 7-10 दिया मैंने लास्ट टाइम, वो टीम में पागल समझ रखे हो क्या भाई, उन टीम को जीजी भी आ गई टीमें उनके लिए। सेमीफाइनल से यही अच्छा है था कि टीमें रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। और कौन कौन सी टीमें बची? कॉम्प्लेक्स भी आ गई, आरडीएक्स आर्मी आ गई, क्रिमिनल्स अरे नहीं क्रिमिनल्स कहा, बीए स्पोर्ट्स भी आ गई, और टीम कौन कौन सा मैच देख रहा हूँ, आरडीएक्स आ गई, क्रिमिनल्स आई, क्रिमिनल्स आ गई ठीक है, क्रशर्स नहीं आई है, क्रशर्स वाले काम गए, क्रशर्स वाले सो रहे हैं क्या, ए फ्रेंडलिस में होंगे, देखो बुलाओ जा क्रशर्स वालों को, निंजा हेलो ए वो कहाँ गए ये लोग, ए मोर्टल और ड्रैगन को बुलाओ भाई, कहाँ गए मोर्टल और ड्रैगन, आ गया क्रशर्स वाले भी आ गए, चलो ड्राइवर आ गया और क्रशर्स भी आ गए, टीम जाइंट्स भी आ गए, किंग ऑफ गेमर्स, किंग ऑफ गेमर्स कौन है, किंग ऑफ गेमर्स, किंग ऑफ गेमर्स कौन सी टीम है, किंग ऑफ गेमर्स तो आई नहीं, कहीं नहीं आई ठीक है, नहीं आई होगी यार, नो नेम है, किंग ऑफ गेमर्स कौन है, ये तो नॉट आर्मी है, नॉट आर्मी है ठीक है, और हॉर्समैन भी पता नहीं कहाँ सो रही है, वन वर्सेस फोर बोलने से स्टार्ट थोड़ी कर देंगे, चलो आ गए ये भी आ गए हकदार हैं, तो आ ही गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बेकार प्लेयर जो बचे हैं वो आ जाए, तो लाइव पे क्यों बोला, आप खेल सकते हो और जो अपने सब्सक्राइबर को ऐसा हाथी पर भाई आप खेल सकते हो बट आपको रजिस्टर करना पड़ता है, अभिजीत भाई ऐसे थोड़ी होता है कि आईडी पासवर्ड कहीं से किसी ने देते तो ऐसा थोड़ी है, मैंने कहा रजिस्टर करके खेलोगे, ऐसा ये नहीं कि भाई लाइव चैट पे इतनी जैसे वीडियो देखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं किसी को, मैं लाइव चैट पे वीडियो देखने के लिए सबको क्यों बोल रहा हूँ, मैं सबको रजिस्टर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है कि भाई सेमीफाइनल डायरेक्ट घुस जाओगे, इन्वाइटेड टीम्स नहीं आई है तुम सेमीफाइनल में घुसने की बात कर रहे हो, क्या ही आदमी है यार ये, है किंग ऑफ गेमर्स, एक रेड तो कि भाई चलो दो रन करते हैं अगर तुम जीते तो आलो लास्ट 2 मिनट बाकी है ठीक है, ये क्रशर्स वाले क्या कर रहे हैं यार, कुछ करने अभी बताओ कैसे करें, लाइव चैट पे जो वीडियो का लिंक है जाके देख लो, आप रजिस्टर कर सकते हो, वैसे डेट एक्सटेंड हो चुकी है ठीक है, एनपी गेमर किसी का प्लेयर नहीं, किसी ने क्लेम नहीं किया, क्रशर्स वाले क्या कर रहे हैं भाई,
हर्षित चोर आदित्य भी ये कौन है भाई नीचे वाली टीम में ठीक है सब हो गया रेडी भाई मेरी बात का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे क्या हुआ भाई मैं कर दूंगा टूर्नामेंट करवा लूं फिर उसके बाद करता हूं यार काम वो काम भी कर दूंगा पहले ये करवा लूं ये ज्यादा जरूरी है ठीक है ये करवा लूं वो भी करता हूं मैं तो टीम बॉट आर्मी से दिखाई देंगे और अब्रेल 07 मारियो एडी एंड सानू खेलते हुए दिखाई देंगे रशर्स के ट्रैगर मॉर्टल ओके ट्रैगर मॉर्टल और वुल्फ खेलते दिखाई देंगे आरडी की तरफ से ईशांत खेलेंगे सत्यम खेलेंगे हंटर और तने खेलते हुए दिखाई देंगे निंजा और नॉट आर्मी की तरफ से निंजा दिखाई देंगे खेलते बताओ कैसे कर लाइव चैट पे जो वीडियो का लिंक डाल दो क्रिएट तो ओपी रॉकी को क्यों डाल दो ब्रो लाइव चैट पे वीडियो का लिंक पिन है जाके देख लो रजिस्टर कर लो स्पैम करना बंद करो भाई सबको टाइम आउट दे दूंगा ठीक है सो टीम आरडीएक्स दिखाई दे रही है हम लोग यहाँ पे टीम वो फाइव नंबर स्लॉट पे टीम नहीं पास जाता हूँ बेफ्रेंड को ऊपर से होता और रिफाइनरी पे जाके होते हुए अहमद के एरिया पे जाके फिनिश करेगा तो यहाँ पे नॉट आर्मी की टीम दो प्लेयर्स दिखाई दे टू मैन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे टू मैन स्क्वाड के साथ खेलेगी टीम काउंटलेस स्लॉट नंबर थ्री पे टीम जी एन डी स्लॉट नंबर टू पे हम लोग को दिखाई दे रही है कमांड पोस्ट के एरिया पे टीम ओके ये टीम हम लोग को टीम नो नेम है क्योंकि काफी अच्छी टीम है यहाँ पर लास्ट मैच उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस निकाली थी काफी ज्यादा किल्स बटोरी थी तो इस बार देखते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कैरी आउट कर पाते हैं मतलब साथ ले आते हैं या इस बार थोड़ी सी परफॉर्मेंस लो दिखाते हैं देखना काफी इंटरेस्टिंग और टीम फोर एच आती दिखाई देगी ब्रो बोला लाइव चैट पे वीडियो का लिंक पिन है जाके देख लो रजिस्टर कर लो स्पैम मत करो इसीलिए मैं टाइम को लगा देता हूँ स्पैम करना बंद करो टीम 4H दिखाई देगी यहाँ पे स्टोन रिच के एरिया के आसपास लूट करती हुई दिखाई देगी टीम जीजी आएगी स्टोन रिच पहुंचती हुई दिखाई देगी 4H से यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है टीम जीजी की तो ये इनिशियल फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और किंग ऑफ गेमर्स भी अहमद के एरिया पे आई है लूटने और टीम एनलाइटेन हम लोग को सैन कैटरीना के एरिया पे लूटेगी जबकि टीम क्रिमिनल्स आई है वो अहमद के एरिया तो अहमद के एरिया पे एक और टीम हम लोग को दिखाई दे रही है टीम नंबर 12 और थोड़ा सा साइड में है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पे टीम की फाइट और क्रशर्स की पूरी टीम को एलिमिनेट किया गया है यहाँ पे टीम नो नेम की तरफ से तो यहाँ पे इनिशियल फाइट में टीम क्रशर्स बहुत अर्ली एग्जिट लेती हुई हम लोग को दिखाई दी है आईडी पासवर्ड रॉन्ग था अमित भाई आईडी पासवर्ड सब करेक्ट था कुछ रॉन्ग नहीं था अभी बाद में बात करते ठीक है टीम जीएनडी दिखाई दी है टीम जीएनडी हम लोग को स्टोन रिज के एरिया पे दिखाई देगी और 4H से ये फाइट अगेन हो सकती है टीम जीजी की फाइट हो चुकी है 4H से और टीम जीएनडी भी इसी एरिया में फाइट करने के लिए आ रही है तो काफी इंटरेस्टिंग क्लस्टर बनता हुआ स्टार्टिंग में भी हम लोग को काफी धाकड़ फाइट देखने को टीम 4H कुछ प्लेयर स्प्लिट पे दिखाई दे रहे हैं हम लोग को और टीम जीजी और यहाँ पर टीम जीएनडी की फाइट होगी सबसे पहले टीम जीजी से तो जीएनडी वर्सेस जीजी ये इंटरेस्टिंग फाइट गुच्ची यहाँ पे दिखाई देंगे देखते हैं यार यहाँ पे टीम प्लेयर ए के पास यहाँ पे डबल वेक्टर है और उनके पास कॉन्टिन्यू शॉट आ रहा है तो लॉन्ग रेंज उनको टारगेट किया जा रहा है ऑलमोस्ट नॉक होने के उनको नॉकआउट किया गया है गुच्ची आएंगे अपने टीममेट्स को देखते हैं कैसे रिवाइव सामुराई यहाँ पे फाइट ले रहे हैं और सेमी जनाओं पे नॉकआउट करेंगे ए को फिनिश कर लिया है यहाँ पे तो टीम जीजी यहाँ पे हावी हो रही है टीम जीएनटी तो यहाँ पे काफी अच्छी बट जीजी आदित्य को फाइनल नॉकआउट कर रही है जीजी थोड़ा सा बैकफुट पे दिखाई दी है इस समय गुच्ची एंड समुराई अकेले बचे हैं और यहाँ पे टीम जेएनडी थोड़ा सा हावी दिखाई दे रही है अपनी टीम जीजी के ऊपर तो काफी अच्छी फाइट निकाली अभी तक टीम जेएनडी ने तो यहाँ पे जीजी के समुराई फॉल बैक करते हो गुच्ची अभी भी फाइट में इन्वॉल्व और गुच्ची यहाँ पे फंस चुके थोड़ा सा और फाइनली नॉक किया गया गुच्ची को समुराई यहाँ पे फॉल बैक करेंगे अपनी टीम के लिए पोजिशन पॉइंट जरूर बचाना चाहेंगे तो टीम जेएनडी यहाँ पे हावी होती हुई So, क्या लगता है गाइस आपको कौन सी टीम है इस मैच में बुआ मारेगी क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है टीम आती हुई हम लोग को
क्रिमिनल्स, और यहाँ पे टीम क्रिमिनल्स के प्लेयर किंग ऑफ गेमर्स को स्पॉट करेगा और किंग ऑफ गेमर्स को यहाँ पे एलिमिनेट करेगी टीम क्रिमिनल्स। यहाँ पे एक और टीम से थर्ड पार्टी हम लोग को देखने को मिली है, तो यहाँ पे आई थिंक ये टीम हम लोग को देखना पड़ेगा ये कौन सी टीम है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के लिए आ चुकी है। और RDX आती है टीम टीम क्रिमिनल्स वर्सेस अकॉक, कुनाल को नॉकआउट किया गया, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फाइट, यहाँ पे गन साउंड से स्पॉट किया और बहुत अच्छी फाइट्स निकाले, और हंटर के कुछ अच्छे पैराफल के शॉट्स देखने को मिले हैं हम लोग यहाँ पे अभी तक। तो हंटर यहाँ पे एक फ्लैग हो गए, फ्लैग रोटेशन, तने भी यहाँ पे ओपन एरिया में कुनाल को फिनिश करेंगे यहाँ पे RDX आर्मी टीम। और एनलाइटेड आएगी टीम GNT से फाइट लेने, तो यहाँ पे काफी इनिशियल स्टेज में कालाहारी के मैप बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिल रही है हम लोग को टीम एनलाइटेड इस एरिया में। सेंट कैटरीना से रोटेशन काट के आती हुई स्टोन रिच एरिया पे, तो काफी लोस कर रहा है, श्रीनाथ को फिनिश कर लिया जाएगा आई थिंक यहाँ पे, और तन में रॉय वाइटी को भी नॉकआउट किया है। तो टीम एनलाइटेड की ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग है, टीम एनलाइटेड किधर गई हम लोग की, तो आयुष रिवाइव हो जाएंगे आई थिंक यहाँ पे, और जैनम की यहाँ पे MA2 भी चलती हुई यहाँ पे एथिस्ट। तो फॉरवर्ड रश करते हुए अपनी टीम की तरफ से देखते हैं कितना अच्छा लीड करते हैं, बहुत ही अच्छे लीडर है इस बार, कैसी परफॉर्मेंस निकलती है क्योंकि लास्ट मैच में थोड़ा सा लो रह गए थे। तो ये वो टीम है जो अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करती जा रही है अपनी टाइम टू टाइम, तो वो देखना काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे टीम क्रिमिनल्स की थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि RDX का रश आया है यहाँ पे टीम RDX की, हंटर को नॉकआउट कर लिया, 3v3 की फाइट क्रिमिनल्स वर्सेस टीम RDX के बीच काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो देखते हैं सत्यम की क्या पोजीशन होती है, और यहाँ पे हेलमेट वेस्ट इक्विप नहीं किया है उनके पास नहीं है, तो सत्यम की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्लोज रेंज की फाइट में उनको डैमेज ज्यादा पड़ने वाला है। Kar98 कैरी करेंगे, तो देखते हैं Kar98 कितनी अच्छे से यूज कर पाते हैं। तने यहाँ पे कुछ यहाँ पे तने डबल वेक्टर लेके बैठे हैं, बट देखते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं टीम क्रिमिनल्स, से फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी। तो टीम बॉट आर्मी बहुत ज्यादा सेफ एरिया पे और शाइन्स की तरफ रोटेशन डालती है उन लोगों को दिखाई है। हेड ब्रेकर, तो टीम क्रिमिनल्स यहाँ पे पूरी पोजीशन होल्ड कर ली और प्लेयर को नॉकआउट किया डबल वेक्टर की तरफ से, RDX एक जबरदस्त रश आया और पूरी क्रिमिनल्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, एक जबरदस्त पुश टीम RDX की तरफ से, तने की डबल वेक्टर यहाँ पे गूंजी है पूरे फुल पावर से। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय टीम RDX, पूरी क्रिमिनल्स को एक सांस में एलिमिनेट कर दिया। नॉट आर्मी यहाँ पे आराम से अपनी लूट कंप्लीट करी कन्फाइनमेंट के एरिया, काउंटलेस आराम से रोटेशन काट रही मेहमत के एरिया पे, तो मेहमत के एरिया पे सो नो नेम यहाँ पे रिफाइनरी का सेंटर ऑफ द ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द जोन होल्ड कर लिया टीम नो नेम ने। वो लास्ट मैच में टीम नो नेम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे आदि गेमर YD को अगेन डबल MA2 भी मिल चुकी है, तो यहाँ पे वो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस निकालते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग उन्होंने डबल वेक्टर चलाई थी। तो देखते हैं इस बार वो कैसे चलाते हैं और कितनी अच्छी किल्स कन्फर्म कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम का एक ग्रुप है, ग्रुप बी और डी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, दोनों ही अपने ग्रुप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमें यहाँ पे दिखते हैं। काउंटलेस भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एज ऑफ द जोन अभी खेल रही है, सो स्टार्टिंग में टीम यार एज ऑफ द जोन खेलना ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि पोजीशन पॉइंट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज दिया जाता है और महत्व दिया जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे टीम यहाँ पे पोजीशन पॉइंट्स के लिए एज ऑफ द जोन खेलती हुई दिखाई दे रही है टीम नो नेम, एक अकेली टीम जो सेंटर ऑफ द जोन बैठ गई, रिफाइनरी में पहले से पोजीशन होल्ड कर ली है, तो आने वाली टीमों के लिए वो रोटेशन काट सकती है और अच्छी खासी किल्स अपनी टीम के लिए निकाल सकती है। तो यहाँ पे मॉन्स्टर इक्विप किया, तो मॉन्स्टर को यहाँ पे उसका लाइट को यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया है, और टीम नॉट आर्मी कन्फाइनमेंट के एरिया पे पूरी आराम से लूट करी, तो यहाँ पे पोजीशन पॉइंट के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए, नॉट आर्मी का एक प्लेयर मैच में आ नहीं सका और थोड़ी सी उनके साथ दिक्कत हो गई। RDX की टीम सत्यम ईशान एंड तने RDX रोटेशन डालेगी जोन के अंदर, देखते हैं कितनी अच्छी रोटेशन होती है और क्या वो गेट कीप होंगे, क्योंकि मैमथ के एरिया के पास यहाँ पे काउंटलेस को हम लोगों ने देखा था, तो काउंटलेस सी है, तो सब्स के एरिया में रोटेशन डाल चुकी है काउंटलेस, तो सब्स के एरिया में देखें कौन सी टीम है, तो यहाँ पे क्या उनको चैलेंज मिलेगा। तो टीम बॉट आर्मी यहाँ पे बेफ्रंट के एरिया पे अंदर बेफ्रंट के एरिया से जोन में एंट्री लेगी, तो देखते हैं क्या होता है। सीए एड ही आएंगे काफी ज्यादा गन पावर, एक अच्छे असॉल्टर के रूप में, लास्ट मैच में यहाँ पे गैंगस्टर ने इनको एलिमिनेट किया था, सो बहुत ही अर्ली एग्जिट देखने को मिला था, एक बैक स्टेप करना चाह रहे थे बट इनकी एक गैंगस्टर की एक लैंडमाइन ने उसकी पूरी टीम को यहाँ पे बचाया और फाइनली उन्होंने यहाँ पे बॉट आर्मी को फिनिश किया था। पोर्टकोटरी में वो मैच था, तो वो काफी अच्छा था, देखने में मजा आया था। Enlightened की टीम यहाँ पे एक हाई ग्राउंड एडवांटेज, एक टावर का हाई ग्राउंड ले चुकी है, तो यहाँ पे वो काफी अच्छे नॉक्स निकाल सकती है, देखते हैं आगे फाइट्स कैसे होती है उसके साथ, क्योंकि एथेंस यहाँ पे पूरा एक स्काउट करते हुए अपने टीम के लिए लीडर एज अ लीडर खेलते हैं,
स्काउट का भी रोल प्ले करते हुए यहाँ पे, तो टीम्स को स्पॉट करने का काम करते हुए, तो देखते हैं क्या होता है आगे की फाइट्स। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कौन सी टीम लगता है आपको कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है और इस मैच में बुआ निकाल सकती है। तो टॉप थ्री आप लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि टॉप थ्री कौन सी टीमें होंगी, तो आप लोग मेरे को सेक्शन में जरूर बताएं, लाइव चैट पे कमेंट करें और स्पैम कर दें। यहाँ पे जीजी की फाइट हो चुकी है, नॉट की टीम पे एक प्लेयर को फिनिश किया है, तो नॉट अगेन मुश्किल में दिया है, निंजा अकेले बजे हैं, नॉट आर्मी के लिए दिक्कत, जीजी इस एरिया पे आ चुके हैं उनसे फाइट लेने के लिए। जीजी के केवल समुराई बचे हैं, तो 1v1 की फाइट है निंजा वर्सेस समुराई। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जोन प्रेडिक्शन करने का ट्राई करते होते, देखते हैं जोन उनके साथ जाता है या नहीं जाता, उनको प्रेडिक्शन में दिक्कत होती है नहीं। दोनों यहाँ टीमों, टीम नंबर फोर जो कि निंजा नॉट आर्मी और यहाँ पे जीजी स्पोर्ट्स को थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि इनिशियल स्टेज में नॉट आर्मी के साथ तो प्लेयर्स ही नहीं, और जीजी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बहुत जल्दी फिनिश हो गए, टीम प्लेयर्स बहुत जल्दी फिनिश हो गए, तो जीजी समुराई को यहाँ पे होल्ड करके खेलना पड़ रहा है। टीम 4H के शुभम फिनिश हो गए, कन्फाइनमेंट के एरिया पे 4H भी दिखाई देगी, तो लूट कंप्लीट करती हूँ, वाइट आएंगे यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार, और लाइक जरूर कर लेना स्ट्रीम को। तो ऐसे टूर्नामेंट बहुत सारे होंगे हम लोग के आगे, और भी अच्छी चीजें प्लान की जाएगी। Enlightened 4-man strong, Team Bot Army 4-man strong, RDX 3-man हो गई है यहाँ पे, Team Countless, Team No Name, तो देखते हैं No Name अपनी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाती है इस मैच में या एक बार थोड़ा सा लो दिखाई देती, क्योंकि अभी तक उन्होंने 3 किल्स कन्फर्म है, 3 किल्स कन्फर्म कर ली है, तो वो एक अच्छी पार्ट है गेम का, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही किल मिल चुकी है यहाँ पे। तो इनिशियल जो स्टार्टअप होता है, हाथ जिसे गर्म करना कहते हैं, वो उनको मिल चुका है, सो देखते उसको पावर को अच्छा यूटिलाइज कर पाते हैं। टॉप थ्री टीमें बाय गेम टैग, इट्स RDX, 4Horsemen एंड Enlightened, सो देखते हैं क्या होता है, आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही रहती है कितनी गलत रहती है। तो यहाँ नो नेम वर्सेस काउंटर्स की फाइट हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही एरिया में दिखाई दे रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। इन काउंटलेस रोटेशन आया और जोन जाता है, थोड़ी देर में आ रहे तो ये जोन जाता हुआ ओपन एरिया में ऑलमोस्ट सेंटर के केवल दो घर हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पे साइन बहुत ज्यादा लो हो गए, क्या नॉक निकाल पाए हैं टीम, नो नेम के ऊपर नॉक नहीं निकला बट काफी ज्यादा लो है, ओपोनेंट को भी काफी ज्यादा लो किया है, बट देखते हैं वो हिल अप हो जाएंगे दोनों प्लेयर्स। तो यहाँ पे Enlightened के चर्चे ज्यादा हो रहे हैं, Enlightened के जय जयकार हो रहा है भाई, Enlightened की मांग ज्यादा है कि भाई Enlightened टॉप थ्री में जरूर जगह बनाएगी, देखते हैं Enlightened कैसी परफॉर्मेंस निकालती है, सबकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरती है कि नहीं। यहाँ पे निंजा को एक जबरदस्त नॉक निकाल लिया उन्होंने, देखिए किस प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने नॉक निकाला है, साई एलिमिनेट होंगे, तो फाइनली साई के लिए दिक्कत होती हुई, साई फाइनली एलिमिनेट हो, काउंटलेस के प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं यहाँ पे, तो थ्री मैन बची काउंटलेस, विकास के पास डबल वेक्टर है। तो यहाँ पे निंजा ने एक अपने लिए अच्छा किल कन्फर्म करने का ट्राई किया है, Enlightened के जस्ट सामने प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ओके ये प्लेयर्स हमें लगता है RDX, तो Enlightened वर्सेस RDX होने वाला है, तो मोस्ट अवेटेड फाइट फॉर 4H ने यहाँ पे फाइनली निंजा को कन्फर्म कर लिया, तो नॉट आर्मी का सफर ये भी खत्म होता हुआ हम लोग को दिखाई दिया है, RDX वर्सेस टीम Enlightened, ये काफी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, तो मोस्ट अवेटेड फाइट फॉर मी 4H के प्लेयर यहाँ पे फिनिश हुए, एक हम लोग को किल फील्ड में नाम दिखाया है, तो यहाँ पे बॉट आर्मी वर्सेस यहाँ पे 4H होता हुआ, 4Horsemen थोड़ी सी दिक्कत में, यहाँ पे दो प्लेयर आई थिंक हम लोग को किल फील्ड में फिनिश होते हुए दिखाई दिए। ओके यहाँ पे रश किया है RDX से, बट देखते कितना सक्सेसफुल रहता है ये रश उनका, निशांत काफी ज्यादा लो दिखाई दे रहे हैं, जैनम इसी एरिया पे, जैनम की एक जबरदस्त है टू या फटका आता है, निशांत को नॉकआउट करेगा और चलेंगे हम लोग आगे की फाइट्स के ऊपर। Enlightened के ब्लैकी आते हुए ब्लैक एंड एट रश कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे विकास भी फिनिश हो गया, टीम काउंटलेस पूरी एग्जिट हो गई यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई, इसी सब फाइट्स के बीच तने एंड सत्यम बचे, तो आयुष को नॉकआउट किया है, तने कंफर्म करेंगे आयुष को यहाँ पे, तने भी काफी ज्यादा लो दिख रहे हैं बट अच्छा एक ग्लू वॉल का कवर बना है, बहुत अच्छी रश फाइट, सत्यम को फिनिश करेंगे, जैनम एक अच्छा एमए टू बी यूज, तने आ गए बट फाइनली जैनम फिनिश करेंगे सत्यम को, तो टीम RDX सामने एलिमिनेट होती हुई, बट यहाँ पे टीम Enlightened को एक प्लेयर की कैजुअलिटी मिलती है, जी भी आयुष यहाँ पे फिनिश हो गया, बॉट आर्मी ने यहाँ पे 4H को ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे हिसाब से एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है जैसा। तो यहाँ टीम बॉट आर्मी एक मिनट में आया, ठीक है हेलो,
हेलो कहीं 5 मिनट कर देंगे आपको 5 मिनट कर देंगे तो यहाँ पे टीम हम लोग को बॉट अर्ली फाइट में दिखाई दे रही, देखते कितनी अच्छी फाइट्स निकालते हैं। मारियो कुछ अच्छे शॉट्स लेने का ट्राई कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स कनेक्ट किए हैं यहाँ पे उन्होंने। अर्ल के पास डबल वेक्टर है, एडी यहाँ पे देखते कितनी अच्छी फाइट्स को निकालते हैं क्योंकि एक हार्ड कोर रशर है। एसवीडी मिल चुकी है, देखते हैं एसवीडी को कैसे यूटिलाइज करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पसंद करते हैं जोन यहाँ पे ओपन एरिया में। एज यूजुअल हम लोग को नॉकआउट स्टेजेस का ये जोन दिख रहा है, नॉकआउट स्टेजेस का जो कालाहारी मैप का तो नॉकआउट स्टेज का मैच था वो दिख रहा है। तो आदि गेमर वाइटी अपने प्लेयर को रिवाइव देने का ट्राई कर लिया, तो रिवाइव आदि गेमर वाइटी रिवाइव हो गए हैं फाइनली, सॉरी। तो टीम एनलाइटेंड टॉप 3 टीमें मिल चुकी है, एनलाइटेंड बॉट आर्मी एंड यहाँ पे टीम नो नेम दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रेडिक्शन सही होती है बट बॉट आर्मी के जैनम ओके एनलाइटेंड के जैनम बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और यहाँ पे नो नेम एलिमिनेट हो तो बॉट आर्मी वर्सेस यहाँ पे एनलाइटेंड हो रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। बॉट आर्मी यहाँ पे टॉप 2 में आ चुकी है और कुछ अच्छी किल्स भी उनके पास दिखाई दे रही है यहाँ पे हम लोग को, बट टीम एनलाइटेंड के पास नंबर ऑफ किल्स बहुत ज्यादा है हम लोग को दिख रही है यहाँ पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने 9 किल्स कंफर्म कर लिया है बॉट आर्मी का कुछ प्लेयर्स। तो यहाँ पे एथेस्ट देखते कितना अच्छा लीड करते हैं इस सिचुएशन में क्योंकि धोन के अंदर जाना है और जैनम एक अच्छी पोजिशन से आ चुके हैं और देखते हैं अविरल यहाँ पे दफा देने के लिए तैयार। यहाँ पे जैनम नॉकआउट हो गए तो जैनम की कंफर्म कर ली जरूर जाएगी एथेस्ट। यहाँ पे 2 vs 4 की ये फाइट, ब्लैक एंड 8 एथेस्ट गए हैं ऊपर, एथेस्ट चढ़ चुके हैं, देखते हैं एथेस्ट एक बहुत अच्छी पोजीशन ले चुके हैं, एथेस्ट को नॉकआउट किया अविरल ने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल रहा टीम बॉर्डर आर्मी की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ही ओपी परफॉर्मेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, बट यहाँ पे ब्लैक एंड 8 ने नॉक किया मारियो को। फाइनल जोन के अंदर रोटेशन देंगे अपनी, देखते हैं देखते जोन के अंदर पहुंच पाते हैं कि नहीं, जोन के अंदर पहुंचना होगा जल्दी से जल्दी वरना वो ओके एडी को फिनिश किया था, एथेस्ट को फिनिश करेंगे अविरल और ये बुआ बॉट आर्मी के हाथों में जाता हुआ ब्लैक एंड 8 को यहाँ पे हील बैटल करना पड़ेगा, देखते कब तक हील बैटल कर पाते हैं, कितनी देर हील बैटल करते हैं। फाइनली यहाँ पे बॉट आर्मी इस मैच को विन करती, तो हील बैटल हुआ जिसमें यार बॉट आर्मी ने बाजी मार ली, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। लास्ट में जो बॉट आर्मी का पोजिशन और रोटेशन थी बहुत ज्यादा उनके काम आई। सो जैसे यार उन्होंने कहा था यार रोटेशन आपको मैच जिताती है, आपको गन पावर कुछ मैच जिताती है, आपकी रोटेशन जो होती है आपको टूर्नामेंट जिताती है। अगर आपकी रोटेशन सही तो आपको हर मैच में अच्छी पोजीशन दिला देगी आपकी रोटेशन, तो काफी इंटरेस्टिंग रहा ये मैच, आज के 2 मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बॉट आर्मी ने एक बुआ मार लिया, ओके सो हम लोग अपनी मेन आईडी पे आ जाते हैं, थोड़ी देर हम लोग खेलेंगे रैंक मैचेस। सो अपन भी थोड़ी देर खेलते हैं, मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग था ये मैच। एक मिनट भाई, प्रेडिक्शन आप लोग की एनलाइटेंड की गेम लेकर सही थी, बाकी कोई टीम को लेकर सही नहीं थी। नो नेम पहुंची यहाँ पे, नो नेम थर्ड टॉप 3 में थी और बॉट आर्मी थी, बॉट आर्मी ने बुआ मारा, सेकंड एनलाइटेंड थी, केवल एक एनलाइटेंड का प्रेडिक्शन सही था आप लोगों का, फोर हॉर्समैन कहीं थी नहीं, फोर हॉर्समैन को यहाँ पे बॉट आर्मी ने रिलेट किया। सो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। तो किसकी आईडी स्किन लाता पे हेलो, तू किसकी आईडी से खेल रहा था, तू खेल रहा था क्या? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। भैया कैसा लगा हमारा गेम प्ले? तुम कहाँ खेल रहे थे?
अबे हम भगवान है भाई, हम कहीं से आ जाते हैं। तो मैच को मिला के 45 पॉइंट सही है ना? अरे बहुत अच्छे खेलो टीम कोर्ट से प्लीज। नहीं यार, मैंने यही बोला कल खेलेंगे सीए फ्रेंड। अरे सुनो, मैंने जैसे सोचा था ना जोन वैसा ही बनता था। मैंने बोला भाई अगर सेम जोन अगर बनता भी है ना भैया आप नहीं है, बोला चाहे कोई भी आए वैसा ही। सीएस रैंक टीम कोड से कल खेलेंगे, कल खेलेंगे। का इवेंट कंप्लीट करने जल्दी करो। मैं किसी को बुलाऊं? सत्यम को बुलाऊं? सत्यम बुला देते हैं। कल खेलेंगे भाई सीएस रैंक, कल पूरा दिन आप लोगों के साथ ही खेलेंगे टूर्नामेंट के बाद। कल 4 बजे से स्ट्रीम। नॉट आरपी के लिए रजिस्टर प्लेयर ही खेला, रजिस्टर प्लेयर के आईडी से अनरजिस्टर्ड प्लेयर खेल रहा था। अबे कौन है क्या कर रहा है? सत्यम आ गया लाल। स्टार्ट करो। मैंने हर टीम का हर मैंने क्या इस टीम का इतना बंदा बचा है, मैं जीत गया मैच। प्रेडिक्शन सही होगी तो क्या मैच जीत जाओगे? मैंने बोल के रखा था आईडीएस के तीन बंदे। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। अरे बहुत बढ़िया तुम भाई, आप लोग निकल जाओगे, कोई इतना डिफिकल्टी होगी नहीं। अबे मजे से निकलोगे, इधर मेरी दोनों टीम नहीं निकल पाएगी मुझे। हॉक नाइट ने कैसा खेला? हॉक नाइट ने भाई, हॉक नाइट ने बुया मारा था ना, हॉक नाइट ने बुया मारा हमारा। हॉक नाइट तो यार जबरदस्त, वो फर्स्ट कस्टम 4v4 काफी है साइबर आर्मी के लिए। अरे बनाओ ना तुम, बनाओ कस्टम 1v4 बना रहे हो हैं मांगन खा क्या ही रहने दे। अरे सुनो, ये जो बोल रहे हैं ना उसको इग्नोर कर देना, कोई जरूरत नहीं तुमको इनका चैलेंज का। ये क्या बोलते हैं 4v4 2v2 वालों का मत किया करो, चाहे कितने भी गाली देना तुम्हारे। अगर ये गाली गलोच उतर जाते तुम्हारे पास पावर है हाइट का। अबे यार ये ऐसा बोल रहा होगा हमारा एक बंदा और वो ऐसा बोल रहा होगा, मत किया करो रिप्लाई यार। ऐसे बहुत से वो टिटू मामा बोले है ना, उसी बात से निपट लो और चूती उसे निपट लो बस। अब भैया इससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं, इज्जतदारी से बोल रहे भैया, मत बोला करो 4v4 के लिए। तब भी अभी तुम्हारे सामने भुया मार के आया हूँ, अब सोच लो भैया मेरी स्ट्रेटेजी कितनी भयंकर है। आराम से 7 किल लेके गया। 7 किल थी तो लग गया, 7 किल निकल 10 मेरे, 2 मारियो के, 1 आईडी का। 7 किल कंफर्म कर, 14 और 12 26 पॉइंट तो ऐसे बटोगे तुम लोग। मैं तो भैया मुमकिन है, नो नेम हमें लग रहा था इस मैच में मारेगी मगर नहीं मार पाई जाता। टॉप 3 पहुंची बट मार नहीं पाई जाता। हॉक नाइट ने ओपी खेला, हॉक नाइट ने जो वो पोजीशन होल्ड करी ना पोजीशन में वो उसके फैन हो गए। आईडी ने गलत किया, आईडी को मैंने बोला था होल्ड। अबे इंजन वो तू था क्या? अमित है भाई। अगर निंजा उस साइड से तू खेले तो मैं अकेला जाऊंगा क्या? नहीं यार ये सब भाई वर्सेस वाला तुम रखो यार। अरे नहीं पे खरगोश, अरे उसका जो प्लेयर था वो अवेलेबल नहीं था तो वो बोला क्या क्या नाम रखते है भाई लोने? निंजा से हाथ जोड़ता हूँ। नहीं बात हाथ जोड़ने की नहीं है यार, ये है ना कि यार तुम लोग डेली यार 1v1 2v2 यार कितने खेले हम। अरे हम तुमको बताए पूरे मैच में क्या क्या हुआ? रहने दो बाद में बात करेंगे ठीक है। अरे बताओ ना। अरे बता देता हूँ भाई। नहीं रहने दो शांत हो, बाद में बात करते हैं। कॉफी भी जस्टिस में बढ़ना था ठीक है। हाँ कॉफी भी जस्टिस में वार्तालाप करेंगे। नहीं है यार आज हम आएंगे ठीक है। कितने बजे होता है फिर कॉफी विद जस्टिस?
ए 8:30 बजे रखा कर तो मैं आया। रोज 8:30 बजे भाई ठीक, हम लोग फ्रेंडली कस्टम है। नहीं यार फ्रेंडली कस्टम करना हो तो बताओ, 4v4 हम 4v4 ही कर लेंगे। तुम्हारा तुमने जिस हिसाब से बोला है ना भाई कि साइबर आर्मी के लिए काफी है भाई, वो तुम्हारे फ्रेंडली तो लगा नहीं मेरे को। नहीं ठीक है यार, मेरे चेहरे का ही लगा है, छोटा है, छोटा है। अरे छोटा है ठीक है, मैं कुछ बोला थोड़ी ना, मैं बस वो बोला ना फ्रेंडली, मैंने कोई इतना बोला कि फ्रेंडली लगा नहीं मेरे को, बाकी कुछ नहीं बोला। हमको पता है भाई मेरे गिल्ड में कैसे बंदे, हमको हमारे गिल्ड के बंदे पे पूरा विश्वास होती है कि ये लोग साले कहीं भी जाएंगे तो फाड़ के तो आएंगे ही आएंगे। क्या फाड़ेंगे बताओ, सामने वाले का अंडरवेयर कस्टम के सारे। अरे विरल के एक आईडी में 3 कस्टम थे, मैं बोला कल इससे ही बनाऊंगा, वो बोलते नहीं बोलते, वो किसी लड़की की आईडी है बोलते। मैंने बोला तेरे तो ए, कल सुनो, कल हम भी रहेंगे, कल बॉट आर्मी अभी टू आर्मी सबके करवा लेना क्या जो हो जाए। अरे हॉगवर्ट्स का भी करवा दो भाई। हॉगवर्ट्स कौन है? अब हमारा गिल्ड है भाई। वो कितने गिल्ड चलाएगा भाई? अरे कितने गिल्ड मतलब, एक आरोप कार्ड थी वो तो नोबड़े ने, क्या बोलते सिंह ने डिसबैंड करके आ गया वो, उसका खासा 4 लेवल का आईडी गिल्ड था। अच्छा बंदे भरे नहीं, पहले इन 3 गिल्ड की आईडी कस्टम करवाओ, पहले अपन करेंगे कल समझे, अभी टू आर्मी। मैं बताऊं क्या करो यार, अगर ना बंदे बढ़ाएंगे ना, जिनका जो बंदे आते हैं ना गिल्ड में आने के लिए कि उनका लेवल जिनकी रिक्वायरमेंट कम है उसको अभी टू आर्मी में भिजवा। नहीं सुनो सुनो, सुनो ऐसा करो कल अपन करते हैं अभी टू आर्मी, बाकी के तो हो ही जाएंगे, बाकी के तो इतने मेंबर हो ही गए हैं कि साइबर आर्मी में भी कर लेंगे। छोटा लड़का हूँ ओनली आ रहा है, क्या पढ़ने की बात कर रहे हो, क्या पढ़ा? अरे भाई भाई तो हम निंजा से पूछ रहे थे कि क्या पढ़ने की बात कर रहा है निंजा। आज मैं डबल वेक्टर चलाऊंगा। अविनाश को तुम लोगों ने पकड़ा दी डबल वेक्टर, वो एचएस के भर दिया, एचएस ऊपर चढ़ा हुआ है। हां एचएस के भर गया। अरे नहीं जैसे मेरे को देखे ना, मैं बोला उठा ले, कोई उठा लो बोला, अविनाश बोलता मैं उठा लूंगा, उठा बोला भाई वो भर गया। तो हमने कहा ये क्या कर रहा है भाई, ये तो खतरनाक आदमी है। मगर सही स्ट्रेटजी इन लोगों की सही थी, बहुत सही स्ट्रेटजी थी। होल्ड करो, किल तो अपने आप मिल ही जाए, तो मुमकिन है। एक बार बता, देखो मेरे को काला हरी का कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैंने बोला भैया काला हरी आएगा तो एक बार उतारने का तुम लोग देख लेना, बाकी का मैं देख लूंगा। ये लोगों ने एक मार्क पोजीशन किया और लंटन उतार दिया, बस चलो। और हम लोग थे कॉल पे ठीक है, तो हमको गेम साउंड ऑन नहीं रहा था, हम लोग गेम साउंड वेम साउंड सब रिस्टार्ट करके आ गए। उसके बाद मैंने बोला मैप खोला, मैं बोला भैया ये लगेगा भैया रिफाइनरी के पास, इधर जो कहा था वो बे फंड के पास से जोन जाएगा, मेरे को इतना तो पता चल गया था। मैंने बोला भैया अगर ये दोनों यहाँ पे बनता है तो ये इधर से ही खत्म होगा और कमांड पोस्ट के एंड में जाके टावर के पास खत्म होगा। मैंने बोला ये टावर पे जाके कैसे करके अपने को ये करता है भैया, जो जो जोन का मैंने किया था ना वैसा ही हुआ, और जोन के बाहर से 4H की टीम आ रही थी, उनको लपेट लिया मैंने, 3 किल उनके मिल गए। तो एक क्या बोलते मेरे को राइट में मिल गया, एक पता नहीं कौन मेरे को, एक तो भैया पूरे मैच मेरे पास ना एक ग्लोबल थी ना एक ही मेडिकेट थी और 3 पॉवर्स थी। किसी ना किसी की आईडी पकड़नी पड़ेगी भाई। मेरे लिए वो खरीद लेना यार, क्या कहते हैं फोरेक्स, फोरेक्स मेरा जमता नहीं है। अरे
वो एसएसके हमारे इतना हरामी साला, उसके पास एक आईडी थी एएलटी एचडी की, ठीक है, उसमें मैकेनिकल वगैरह सारी है ना, वो नहीं दिया हरामी, जिसमें कुछ नहीं है वो दिया मेरे को। अब नहीं, वो फ्रेंड की आईडी है ना, मेन आईडी उसकी, वजह से होनी थी ना। मत खरीदना फोरेक्स, मिल गया ठीक है, दे सकते ना। चलो भाई सब सही किया मैंने, मेरे पे एक टोकन बची, मेरे को दे एक टोकन, वो मैं फोरेक्स खरीद लेता हूं। अबे मैंने उसकी कहते मेडल ले ली। किसको टोकन चाहिए? हम दे ले लो, हमसे ले लो। कहां हो तुम? अरे तुम तो सत्यम के पास। हां सत्यम, क्या दे रहे हो? वॉल है मेरे पास, पांच है, रख के रहो, पांच है मेरे पास, रख लो। जिसके पास बॉकर नहीं होता उसको। निशान भाई आलोक दो भाई, ये क्या है यार, लगन कितना चीजें हैं यार, ये सब मांगना तुम लोग। भाई तुम लोग सोलो टूर्नामेंट किस लिए करवाता हूँ यार? चला कर बस। अबे तुम लोग यार वॉल पकाया करो एक एक। अरे टोकन, अरे टोकन वाले भैया, टोकन वाले भैया कहाँ गए? ये लो पांच है, ये आप खरीद लो, वॉल खरीद लेना थोड़ी। टेस्ट फिर मेरे पास ही उतना भूखा हूँ, वो भी चार लेवल का। नहीं तो चार्ज लेट में भी होता तो, मगर रहता भी तो देर तक। हाँ रहता भी तो देर, सबसे सही कैरेक्टर है पूरी गेम में, बस वो चार्ज जल्दी हो ना, जैसे आलोक के करोनो होते हैं, मतलब मजा आ जाए। मैं करोनो लगाऊं नहीं जिंदगी में कभी, उसके चार्जिंग है बहुत प्रॉब्लम है। रॉकी रॉकी पैड को लगाने के बाद बहुत टाइम लगता है। हां जोन हो जोन, एक स्क्वाड अच्छी आई उसी को मारना है बस। चाहिए भाई आज तो बहुत देर हो गई, पता चला साला कॉलेज में इतनी लेट हो गई, आज हम जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट करने की सोच रहे थे। अरे साहिल बोला 75 पे बंदे, 70-75 पे मारियो बोल रहे, मैं ऊपर चढ़ूंगी, बोला नहीं ऊपर नहीं जाना, अगर तुमको गलती से अगर पीछे ने पकड़ लिया ना तुम झटके में खत्म हो जाओगे, उसको मना किया ऊपर चढ़ने से। तो मैंने बोला ये लोग जैसे आएंगे मैं फायर करने लगूंगा, फायर कर देना। मैंने जैसे बोला मारियो ने पकड़ी और मैंने घनन को मना चालू किया भाई। मैंने बोला मैंने M60 के चार गोली मारी, बोला सारे लोग डैमेज थे क्या? बोला फिर दूसरे का भी नोट किया, तीसरे का भी किल आ गया। चलो भाई बोला तीन किल यहाँ पे छह पॉइंट। नहीं तो इस ग्रुप में थी, टीमें बहुत अच्छी थी, टीमें बहुत अच्छी। अरे M79 उठा ले तो नहीं जिस ग्रुप में भैया जबरदस्ती रह गए अबे तीन प्लेयर तो जोन से एलिमिनेट हुए उनके, समझे हो? पता नहीं क्या हुआ, तीन प्लेयर उनके जोन से एलिमिनेट हुए। अबे वॉल कितनी पड़ी है, बंदे बोल रहे हैं दिल से बुरा लगता है। अबे वॉल पड़ी उठा लो, मैं बैग में जगह नहीं है यार, मैं आ रहा हूं। जा खा, पेटियां बनी है कोचिन आपको बीच में दूटो। दूटो तुम्हारी बनी दिखेगी अभी थोड़ी देर में। नहीं 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 मेरे पे करोनो, ए सामने बंदे थे लग रहा। पेटी 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 है, पेटी है। प्रथम क्या चला रहे हो डायरेक्टर? मैं चला रहा हूं। अरे सुनो ये क्या जगह है रे, फैक्ट्री और मास्टर सेक्टर के बीच में कौन सा टावर आता है? एक ही टावर आता है, फैक्ट्री और उसके पास चलो, उसके पास चलो। वो मिडल है, पहले मिडल तो जोन पकड़ लो, जो आएगा बच्चा भरते रहो अपने को। 15 बचे भाई, किसी तरह कर दो। हाँ जो तो सैटरडे को करा दो। हाँ सैटरडे को कर देंगे, चलो सैटरडे को कर लेना भैया रूम, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह आना, बट सैटरडे को यार टूर्नामेंट फेज वन का फाइनल है यार, 4 बजे से लगाएंगे फाइनल। अरे सामने बॉल लगी है टावर को, फिर पैम पैम सो पैम पैम सो। चलो चलो जल्दी से थर्ड पार्टी करो, मार्क सेक्टर के साइड से हो। अबे भाई क्या हुआ भाई, क्या ही लगे भाई,
अबे मेरे को बचाओ बे भाई, क्या ही लैग है भाई, देख रहे हो पूरा गेम अटक गया बे मेरा वहां पे। तो कोई ना खेलना है यार, तुम लोग माइक तो खोलते नहीं यार। ए ये वाले घर में आओ मेरे पास, जहाँ पे जाए करना भाई। ए भाई ये बंदा कुछ गड़बड़ था भाई, क्या ही गंदा है क्या कुछ था साला। वन टैप पड़ा ये मेरा, वही अटक गया ना वॉल लगा। मैं रुक जा निंजा रुक जा, बट बे क्या ही लैग हुआ गेम। कोई ना भाई ऑडियंस को चूतिया बना दो भाई, ऑडियंस को चूतिया बना के ना तभी तेरे को सपोर्ट मिलेगा भाई। हम नहीं बनाते ना, देखो चूतिया, एक चूतिया ही दूसरे को चूतिया बना सकता है, ठीक है अब समझ लो। अब इसके आगे हमें कोई रिप्लाई नहीं देना, हम दूर बगले बगले जाए दूर दूर बगले अंदर बैठे। तुम लोग भाई टूर्नामेंट जीतोगे, तुम लोग की प्रैक्टिस होगी, कहीं जाके तुम लोग को अगर एंट्री मिल जाए। ये क्या खुल गया, क्या खुल गया, क्या खुल गया भाई, बहुत गंदा भाई साहब। ये साला पक्का खोलूंगा ये भाई, स्क्रीन ही चली गई तभी तो मैं गंदा वाला लैग हुआ, तभी तो मैं मर गया। अब मेरे को समझ में आया, हम तो रिवाइव देने भी नहीं आ पाएंगे। रास्टर भैया खोलना माइक, खोल खेलना आराम से तब ठीक रहेगा। स्क्रीन गई, एफएफ दिखाओ। अरे ठीक है, इसके चक्कर में तो हम, स्क्रीन के चक्कर में तो हम मर गए साला। इतना गंदा लैग हुआ, मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, जब स्क्रीन दोबारा चली तो मर चुके थे। बॉट आदमी किल ले गया मेरी वुडपेकर से। बात ये देखो, हमारे टूर्नामेंट खेल के किसी को कहीं अच्छी जगह एंट्री मिलती है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छा परफॉर्म करते हो, बाद में बताते हो भाई तुम्हारे टूर्नामेंट की वजह से यार हमारा ये हुआ, अच्छा हुआ, या हमको भी अच्छा लगता है कि यार हम लोग की वजह से किसी को प्रैक्टिस अच्छी हुई, कुछ किसी काम आ गए, तो वो अच्छा लगता है यार सुन के। पकड़ना पड़ेगा भैया, ओपन में जोन पर 8 वॉल है, ओपन जोन है मुझे। मेरे पे, अबे मेरे पे बहुत वॉल है, नीचे लेफ्ट में जा, मेरे पे बहुत वॉल थी और एक के पे 4x था। नीचे जा लेफ्ट, लेफ्ट में जा, लेफ्ट में मेरे पास 22 वॉल है। अबे भाई निंजा पीछे जा, पीछे जा रेड वाले के, उसका क्या मैं मरा हूं, रेड वाला, रेड वाला है इसके, हां इसके पीछे निंजा, मुझे इसके पीछे पीछे, अबे ये जो घर बना है इसके पीछे मैं ले ले। मेरे पास 8 से 9। अज्जू भाई को देखो, फेस गेमिंग को देखो, मस्त चूतिया बनाते हैं इसे, वो लोग मिलियन पे हैं, क्या करूं भाई। बंदे पे M2 भी है ठीक है ना, अलग अलग लिख के ये थे भाई, उनका पास पूरा सेटअप वगैरह सब कुछ है भाई, उनके साथ बड़े बड़े प्लेयर खेलने के लिए है। जैन उस दिन पूछ रहा था कभी टूर्नामेंट खेला है, आज लास्ट में मेरे ही हाथ में मरा था बंदा, बंदा सामने आराम से कितने बजे तक खेलोगे, अभी तो खेल लग लग करो। आजा मत जा जोन अपने पे, अगर उसको आना रहा तो आ जाओ। लग गया सत्यम, एकदम कर लग गया सत्यम, कह रहा भाड़ में जाए दुनिया। हाँ अबे वो लोग मिलियन पे हैं, क्या करूं भाई उनको मिलियन पे, हम क्या करूं तो यार, अब क्या ही बोल रहे। देखो पहले चूतिया बनाया है, क्या करें, कुछ कहना नहीं है भाई उनके बारे में, कहना चाहिए यार। यूट्यूबर बनना है, स्कॉलर जैसा बनो साला, कोई उंगली ना कर सके। कोई कुछ बोल दे खोल के बजा दो, उसका पावर भी है ना उसमें, उसके ऊपर बैक सपोर्ट है ना उसके पास। ए बंदा है, बंदा 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 कर को निंजे मार, देख डैमेज तो देने दे, कहां पे है। अबे क्या कर रहा है पर्ची का, मर जाएगा इसमें इतना दमी है, मुझे मार दे। सत्यम अलग लड़ रहा है, देख रहे हो निंजा, तू सत्यम के पास जा, सत्यम की मदद कर दे भाई, बैकग्राउंड से आवाज आ सकती है, आ सकती है तो। अरे जब कॉल देना होगा एटलीस्ट तब तो खोला करो यार, रेस्टर भाई तब तो खोला करो ना, एटलीस्ट जब कॉल देते हो कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिया करो।
है वो ग्लोबल से कोई बंदा है बंदा है वाइट लीडर कहां पे ऊपर गाइस तू ऊपर देख पहाड़ी पे ओके ओके चल सत्यम बॉल का ले काग घुसिल पे अरे पे डबल रखता इनकी पकड़ के छोड़ दूंगा वाह मोदी जी क्या ही भूया करा यार वो बड़े प्लेयर के साथ खेलते हम थोड़े मैचेस में मेरा 2 स्टार हो जाएगा भाई 336 चल 73 चल रहा है सेंसेस भाई निशान से बोलो इमोट वन शॉट मारे भाई वो सब चुतिया था हम अपने प्लेयरों से नहीं देखते एक भैया ये सब करो इमोट वन शॉट सत्यम भाई थोड़ी देर रुको जरा मैं एक प्लेयर को बुलाते थोड़ी देर के लिए है क्या क्या सत्यम भाई थोड़ी देर रुको एक प्लेयर को बुलाना है बहुत देर बोल रहा है एक घंटे में आधे घंटे में feeling sad for Janam with 69 others Eddie भैया आ तुम मौज ले लियो पूरा जवाब दे दिए अमरल बोला भैया किसी को मारो या ना मारो लेकिन को मारो बोलते चलो स्टार्ट करो जैनम को पकड़ के मार आज को ब्राइम जैनम को यार इसीलिए निंजा ए निंजा वाला बन्नी डाला ए निंजा भी मरता है मेरा बन्नी डाल के मरता है एक एक मंत्री दिला दे यार कौन वो निकाल लूं यार वो निकाल लूं कोकर अभी मैं 160 का हिडन कोड देता हूं लेकिन मंत्री का पैसा मेरे पास नहीं अब नहीं चाहिए नहीं। निकाल लूं मैं देखूं किसी तरह अबे यार मेरे पास 400 डायमंड है मैं 160 के वेग के लिए आऊं और 200 रुपए बचे किसके क्या चीज तुम्हारे दिए हुए 400 में से 40 का रिचार्ज किया मैंने 48 का और एक वीकली खरीदा और 200 रुपए बचे चल ये फिर 190 दे इधर मुझे लेवल अप पास करवाना है तेरा आईडी पासवर्ड दे आईडी पासवर्ड दे ये ठीक है रिडीम कोड नहीं दूंगा तेरे को रिडीम कोड नहीं मैं तैयार हूं तेरे को आईडी पास देना पड़ेगा और मैं ही खरीदूंगा तेरे तो भरोसा नहीं है मेरे को मैं कैसे निकालूंगा MP40 है बाबा अबे MP40 रहने दो डबल डैमेज सिंगल रेट ऑफ फायर हां तो अबे बेकार क्यों निकाल रहे हो क्यों जो पोकर चलाते साले उनसे क्यों फटती है फिर अपनी हां अबे विंटरलैंड यार पोकर जैसी है सही तो लगती है विंटरलैंड नहीं नहीं हमको चाहिए हमें कलेक्शन बनाना है हम रख निकाल लेंगे तुमको क्यों जलाने बनाने के लिए रखनी है तो रखो वैसे रख लो हमको कलेक्शन बनाना है निशान की वॉइस क्यूट है ज्यादा एज का नहीं ना अभी मैं ऐसा क्या है जो तुम इतना उछल रहे हो तो बोल सकते ना भैया इवॉल्व जितनी भी इवॉल्व क्या बोलते हैं अपग्रेड जितनी भी गन की नोकी सारी हमारे पास तो बोल सकते कम से कम हां भाई मेरे को एक लड़की ने बोला था कि तेरा फेस अच्छा है ना इधर भी निकाल के तो ना तेरा फेस अच्छा है ना मेरा तेरा आवाज भाई कम से कम किसी लड़की ने तेरे सामने बोला तो ये इमोटिस के पास कहां से आया भाई ये गाड़ी वाला टॉप अप में आ चुका है अरे आया है ना टॉप अप हम सोचे यार हम भूल गए थे इसके बारे में कोई बात नहीं सैड लाइफ अपने पास से नहीं है क्या करना है इमोट की कोई वैल्यू थोड़ी जरूरत भी नहीं है मुझको जरूरत भी है यार मेरे पे कोई इमोट ही नहीं है अपने अपने को सामने वाले को जलाने के लिए एक ही इमोट काफी है वो है लॉल इमोट हां बस सबसे मस्त है भाई वो मैं खरीदूंगा देखना अभी तक हैंड पंप पे नहीं हम खरीद रहे नेपच्यून पे पाए अरे बाहर के ग्रह का प्राणी आया नेपच्यून बाहर के ग्रह का प्राणी अबे भाई तब एक गिल्ड का नाम हो भाई राजकुमार भाई हेलो स्वागत है आपका राजकुमार भाई स्वागत है अरे हमको कहां से मिल जाएगा आज निकालनी पड़ेगी यार अरे वो 20 तारीख को आएगा अबे आज खत्म हो रहा है फेडेट व्हील आज खत्म हो रहा है क्या हां बे आज आ जाएगा आज फेडेट व्हील खत्म हो रहा है कल आ रही है अरे तो मेरे पास 900 डायमंड ही है भाई तो निकल तो आई तेरी 900 डायमंड ही है भाई पर मैं निकाल लूंगा इन्हें
अरे नहीं 800 डायमंड में नहीं, 1100 कुछ डायमंड लगने वाले हैं। कान खड़े होगा, मंथली बाई करनी पड़ेगी भैया फिर तो। मंथली और वीकली दोनों एक साथ? नहीं मंथली बाई कर लेंगे, काम हो जाएगा मेरा। हमें भाई साहब वो एक एक महीने तक चलेगी क्या? अभी तो एक महीने बाद निकालेंगे पूरे फेडेड व्हील, एक महीने चलेगा। एवोल्यूशन गन जितनी भी आई एक महीने चलती है, पूछ लो निंजा से। जितने दिन आएगी उस हिसाब से बाय कर लेंगे। तो फिर मैं भी निकाल सकता हूँ, लेकिन निकालना है तो भैया स्टार्टिंग में निकाल, क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है कि सस्ते में निकल जाए। मैं तो स्पिन नहीं मारूंगा, इसलिए मैं 4 स्पिन अभी मारूंगा जैसे आएगी, और बाकी का देखेंगे राम भरोसे। मैं कर रही हूं गिफ्ट में 1000 डायमंड दो फॉर यू भगवान, तुम्हारी तुम्हारे पटाका देगा, तुम्हारी पटाके देगा। नहीं नहीं हमें नहीं, हमें नहीं पटानी, जाओ। चलो तो हमें 1000 डायमंड दो, हम भी ऐसे प्रे करते हैं। चलो यार इसे 1000 डायमंड ऐसे बोल लेते हैं। अरे नहीं जो ये लोग बोलते ना ऊपर वाला भी सोचता हूँ, साला हमको तो कुछ देते नहीं और साला हम सबको देते रहे। नहीं एडी है चैट पे, वही एडी हो, एडी छुपा रुस्तम है समझे, वो कुछ ना कुछ करके बैठा है समझे। इधर तो मुझे हैवान वाइटी आया है, हैवान मर गया लो। अरे बाहर के ग्रह वाले को कोई नहीं आ सकता भैया, चाहे वो हैवान हो या फिर कोई भी हो, पहलवान नेपच्यून है उसको पकड़ के फेंक देंगे। नेपच्यून वो बहुत मार रहा है, मार रहा है वो, मार रहा है, क्या बात है। अब उसको बोलो हमको बख्श दे भाई, हमारा मानस मत लगवाए, भले टॉप 2 में आने के बाद मिल जाना बोलना। हैकर हैकर हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं कह सकते। मेरे हाथ में पब्लिक डैम्प की 90 आओ जिसको आना हेड में छोड़ेगी 90। क्यों निशान की आवाज़ ऐसे 100 गुना नहीं रुक रुक के आती है। वो चंदन चंदन वाली आईडी में थी ना, चंदन मेरे बेटे, चंदन चंदन मेरे बेटे, चंदन उसका चंदन खरगोश अपना चूतिया नंदन हट अच्छी रहने नहीं थी राम, नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन खरगोश की बेइज्जती हुई ना बस। राम अच्छी थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बेइज्जती वो इम्पोर्टेंट है। मैं चलाऊंगा M14 बिना टेस्ट में, मैं चलाऊंगा M2 भी भाई। इधर इधर अच्छा लगता बट आई एम सिंगल। हमें तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा तो कोई सौदा हुआ नहीं था यार। हमने ऐसा कोई सौदा नहीं किया था, ऐसा कोई एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया था, तो कृपया करके हमें मिल गया एमओ। अबे एमओ दे दो भगवान के नाम पे, एमओ दे दो, मिल जाएंगे कहीं। कार 98 पड़ी देखी, सोल्ड आउट, सोल्ड, दिल से बुरा लगता है भाई, हम ही तो खरीद के ले गए। आया तो सोल्ड आउट भी है, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से तो दिल भी है, बट दिल तो है इतना सा, खरगोश का दिल रहता भी कितना सा है। खरगोश तो वैसे भी छोटा सा, छोटी सी पूंछ वाला वो मानस नहीं होता, जरा बायोलॉजी पढ़ के आ निंजा, वो जानवर वो जानवर होती है, जानवर 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 भी जानवर। अरे सुनो तुमने आज जिस प्राणी को बुलाया था ना GW वालों को, उनको हमने वो बोलता है साला, क्या बोला था उसने, कुत्ते की शकल का, मैंने बोला ना कुत्ते की शकल का, बोला साले, मैंने उसको बोला तेरी शकल कुत्ते जैसी है, तो आज पता चल रहा है भाई तूने नया ज्ञान दिया है कि आधे इंसानों का मुंह इंसान जैसा और आधे लोगों का कुत्ते जैसा। भाई मेरे को स्नाइपर नहीं चाहिए, मेरे को सीएम निशान के गिल्ड में जाना, तो निशान से पूछो
उसके गेट में जाने क्या रिक्वायरमेंट है, और साइल गेमिंग क्या हाल चाल आपके भाई, वेलकम टू स्ट्रीम। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जा सकता है। मजाक कर रहा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ना लेजेंड से पंगा नहीं लेने का, नहीं तो वो निकाल दो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आ जाओ लेजेंड को मेरे नाम से धमकाने का, बोलना थोड़ा जल्दी से जाओ। बस नेम चेंज मार, एक दो लड़के से बात करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तो उसके आगे कोई बात ही नहीं। चलो और अब तुम लोग के कांटा वहीं बैठ कर रहता है एक जगह पे, तो क्या ही बोले भाई। हम पता है कि लड़कियों से इतना क्यों डरते हैं, वो चप्पल मार के चले थे कि पता है चप्पल ऊपर मारने की तेज नहीं बात नहीं है। अपन भाई दूसरों के बहनों पे हाथ डाल के, साला अपने बहनों पे, साला अपने बहनों पे कोई हाथ डालता तो क्या दिखला, मैं हम थोड़ा इज्जत से रहते थोड़ा डर के रहते हैं। मेरा भी पहले ही भाई, हम किसी लड़के को भैया उसको ऐसे कर देंगे, लेकिन भैया किसी लड़के से हम उसकी आवाज में बात भी नहीं करते। अब तुम तो बात नहीं करती उसकी आवाज में, मैं तो बात भी नहीं करती। यहाँ से M2 भी सोल्ड आउट हो गई है, मैं वॉल खरीद रहा हूँ पेट भर। अबे M2 भी सोल्ड आउट हो गया, मैंने वॉल खरीद ली बार। अबे भाई टोकन मैं वो दूंगा, वॉल दूंगा, वॉल दूंगा, मेरे को टोकन दो, वॉल दूंगा, टोकन दो। कितना टोकन है? हमें दो टोकन दो। मैं तुम्हें टोकन दे सकता हूं। अबे रहने दो ना, तो कोई वेस्ट भी खत्म हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं। सहेल भाई वेलकम टू द भाई, निशान को खरगोश मत बोलो, मुझे बुरा लगता है। 13 बैट की लाइन लगा दी, मेरे पास 12 बॉल है, लेनी है किसी को? उनके पास 13 बैट, 12 बॉल है मेरे पास, लेनी है? एक बॉल है मेरे पास। निंजा बॉल चाहिए? अबे मुझे दो ना, दो दे, दो छोड़। गए तो गए का भैया, तुम लोग वहां पहुंच गए, कोई गलत बात। अबे तुम कहां, हम लोग के, अबे तुम केप टाउन में, हम लोग यहां घूम के मजे कर रहे हैं। अरे नहीं तुम लोग बोले ना वेल्डिंग मशीन में, लगा था ये वेल्डिंग मशीन में हो गए, तो मैं इधर ही लूट कर रहा था। थे हम लोग तो निकल आए थे, हम पीक पे हैक के निंजा भी देखता हूँ क्यों घूम रहा। किसको मार रहे हो? हमारा कटा नहीं कट, हमारा कटा नहीं कटा है, कटा है काटा नहीं कटा है। अच्छा भाई बड़ा नहीं ठीक है। ओ भाई मारो, किसको मारोगे भाई? साहिल भाई मारो मुझे, मारोगे क्या यार, कौन है, कौन है? अरे नहीं मजाक हो रहा है, मजाक था भाई, मजाक। कैसे कटा बताओ भाई, एडी हम लोग को बताओ, हम लोग भी जानना चाहते हैं आपका कैसे कटा। एडी का कट गया, कट गया, एडी का कट गया। वेस्ट नहीं है मेरे पास, अच्छी वेस्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा, हमें टूबी चलाने में मजा आ जाए। इधर दो यार, हमें टूबी आ रही है वहाँ पे। देखो केप टाउन वाले में लोगों ने दो दो की वेस्ट छोड़े थे, तुम क्या कर रहे हो, सो रहे थे वहाँ? अरे हम देख रहे थे, हम वेस्ट खरीद रहे थे, इधर मिली नहीं यार। अबे हमारा खरगोश हमसे ज्यादा चूची मार के चेक करो, तुम सभी जहाँ से सीखे हो ना वहाँ के हेडमास्टर है। ए मिल गया वेस्ट, अब चलो कब का फोड़ देता। अब मैं अमर हो गया, अब मैं अमर हो गया, नहीं अमर नहीं हुआ, लाल धूम है, हम अमर नहीं हुए, वापस आ गए। आजा रेस्टर, मर जाएगा वरना पेटी बन जाएगी, बचा भी नहीं पाएंगे। योर पेटी बनिंग एंड यू चिल्लाइंग हेल्प मी हेल्प मी, वी आर नॉट कमिंग। अबे स्नाइपर एमो मिल गई, अब बस टोकन वाली कहां मिली थी भाई। निशान से बोलो अपना YouTube चैनल चालू करे भाई, उसके पास नेट नहीं है। चाहे कैश चार यहाँ पे वो पड़ी है, वोट पैकर चलानी है, रेस्टर आएगा वोट पैकर। नेट नहीं है YouTube चैनल तो मैं चलाने के लिए चला तो पर नेट नहीं है। चलाएगा रेस्टर, नहीं चला रहा मैं चलाएगा। ये लो फोरेक्स ले लो, फोरेक्स है ऑलरेडी मेरे पास। अरे किसी पे दो का ग्रिप है या फिर बायपॉट, बायपॉड पीछे पड़ा देखा था यार, मैं याद नहीं कहाँ था, मैंने देखा था। एम पे बायपॉड सिर पे, बायपॉड बिल्कुल जाए, पेटियां खोल लेने दे, कुछ तो मिल रहा है, ए बबुला मिल, मुझे भी खेलना है। तो भाई खेलो गेम, इतना देर से खुला पड़ा है, खेलो कहीं भी खेलो। ए तुम लोग इधर आओ जरा, इधर देख रहे, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो रहा है? ए हम अकेला घूमती समझे, हमको डर लगती। ड्रॉप तो क्या है, अरे कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं कोई बंदे ढूंढे यार, फ्रेश एक है
चलो वन वर्सेस वन करो, चलो एक एक करके देखते हैं भाई। वो एक में ना चार जन एक जगह बैठे रहते हैं अगर ऐसा हो तो लग जाएंगे। मार दिया, मर गया ला ला भाई। आज घर में सबसे भाई मैं ये सोच रहा था, इसलिए मेरे को नेट नहीं तो FF कैसे खेलता है। अरे उतना नेट नहीं ना कि उस YouTube का, YouTube के लिए ज्यादा नेट चाहिए। बहुत चाहिए रे सब, मैं खुद ना बना पाया भाई, हमारे खुद के इसमें कैसे होगी। अबे ग्रो करने के लिए तो भाई, अगर कोई बोलेगा ना भाई डिमांडेड सबसे ज्यादा किसको यूट्यूब खेलना है, किसका डिमांड ज्यादा है भैया, कोई एक ही खोले वो मेरी है भाई। तो भैया जैसे भाई कब खोलेंगे, जिस दिन खोलेंगे ना भाई आतंक भाई। जिस दिन मेरे घर में वाइफ है आ गया उस दिन मैं मजे से पहले वीडियो वायरल करवाएंगे। हाँ पहली वीडियो वायरल कर रहे हैं, दिन वाइफ आ गया। YouTube तो चूतिया बैठा है। AWM है, WM। अरे 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 जब गोबर जोन, अरे जब गोबर जोन करवा सकता है तो हम तो भी साला थोड़े अच्छे। गोबर जोन कौन है अभी तक नहीं पता। तुम साला इतना छोड़ दो, YouTube YouTube से अपना क्या बोलते हैं ये कर दो, डिसेबल इनबिल्ट है तो। वो कहाँ गए लड़के भी, गोबर जोन नहीं पता। गोबर जोन है अलग, क्या से नाम रखा फ्री फायर गोबर जोन, अब पता चला। नहीं अरे नहीं गेमर जोन नहीं रे, गोबर जोन, गोबर जोन। अच्छा गेमर जोन, अरे गोबर गोबर गोरम जोन रे, गोबर जोन। लड़के गए तो गए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। 16 लाइव है अभी तक, तो इतनी जल्दी फिनिश हो गई थी लॉबी, अब तड़प रही है। ए पड़ा मारा को मिला, उसको मिला, पकड़ इसको, पकड़ उन्होंने लगा के भागो यहां से 100 मीटर दूर। चाहे 100 मीटर हो चाहे 200 मीटर, अभी मरेगा। मार मार मार, दे राइट स्टार मार ले। औरे औरे पकड़ साले को, पकड़ वॉल पे है क्या? नहीं है बे, मैं नहीं करता ना तुम के लिए भाई। देख कितने किल चोर तुम हो भाई। अबे फिर लैग हो मेरा, अभी ये भी किल चोरी हो जाएगा। अबे हट से यार, हट, मुझे खेलना ही नहीं है। लाल खरगोश प्लस हो रहा है ना, शांति रख। अबे अब आवला जिसको आज। अबे यार क्या चूतिया पची है भाई, ज्यादा तेज खेल लो तो दिक्कत। बचाओ इसको, बचाओ। पूछा लिया भाई यार, स्ट्रीम क्यों नहीं ठीक से चलती, कब तो गेम टाइम होता है तो क्यों नहीं ठीक से चलते हो यार। अबे यार निंजे मौको लगा के आया कर दे, हट बे। चलो रे भाई। अरे सर क्या हुआ? अबे यार ये वायर है भाई, मूड खराब हो जाता मेरा, रुक रुक रुक। हमने क्या किया, हमने क्या किया? अरे वायर से मूड खराब हो गया मेरा, है जरा सा हिल जाती तो। लैग अलग से होगा, तो तुम जरा बैठ रहे सोफे में भाई, ऐसा नहीं दिख रहा, रुक जाओ यार। तुमने अबे असला बारूद अभी मजा ही नहीं आना, बिटो असला बारूद है मेरे से भाई। क्या है फे भाई ये, क्या फक ऑफ टूटिया नेट है मेरा। ओ और कोई नहीं,
रुको यार एक मिनट ठीक कर लूं। अबे यार ये लेंस यार बहुत खराब करता है यार, वॉल पे दबाता रहा बॉल लगती है भाई। इतना गुस्सा चल रहा है ना मेरे को इस समय, छल हो रही है। हट बे थोड़ा मैच तो छंडू पना क्या है। दो मैच में एक एक किल मिली भाग यार, दो मैच में दो दो किल। सब गए बस स्ट्रीम में मैं देख रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, देखो भाई हमारा मन माइनस नहीं हुआ यार, नहीं यार मरवाले क्या भैया, तीन साल पहुंचने वालों को एक मिनट नहीं नहीं कैंसिल, वो उसका कैंसिल नहीं। अब यार कौन बोल रहा था यार मेरे खेल में आने को, बोल दो आ जाए मैं दो बंदे को मार दूंगा। सिस्टम पुशिंग फाइनल्स के भी यही टाइमिंग होगी ना, शायद 4 बजे चालू होगा, शायद 4 बजे से। अभी तक हमारे फाइनल नहीं किया, जब तक हम फाइनल नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं आएगा। आई एम गॉट फादर होती अबे नहीं पागल हो गया, मैच ही नहीं करा रहा इसको। अबे मेरी माइनस हो गई यार, 20 माइनस इसलिए करवा रहा है। अबे इतनी गंदी माइनस लगी यार, हेलो मैं बंदी लेके नहीं आ रही। अबे उतार नींदे है, अबे नींदे में क्या हो गया आज। अबे तू लीड कर, मैं घर के अंदर आके रिपीट कर पाऊंगा क्योंकि मेरा माइक बंद रहेगा। ओके जन हेलो भाई स्वागत है जन। अरे मैं उतार नहीं क्या you
चलो मैं को ये देख नहीं और कोई तो नहीं आ रहा कैमरा कोई नहीं दिखा तेरे को लेट करना मेरे को देखना तेरे दिमाग में क्या चल रहा है पूरे मैच ठीक चलो तभी बबल मिल गया ये बबल का छोटा दो बॉल फुल लूट हो गई इधर गुरुजा पड़ी उठा लो ये फर्स्ट टाइम आ टीम 999 प्लस नहीं मेरे को नहीं चाहिए चलो सब तुम एक ही पड़ी उठा ले एक टोकन है मेरे को अभी सही मांग रही है क्या चला रहे निशान क्या चला रहे मैं M2B और A बबलू चलो बस एक टोकन और से फिर डबल A M2B ये लो है एक टोकन जोन बनेगा एलसी के आसपास टावर के वाह इतनी जल्दी प्रेडिक्ट कर दिया इन्होंने जोन फाइनल जोन वाह मोदी जी वाह क्या प्लेयर बनेगा रे तू जल्दी फाइनल तुम देखते रहो लूट नहीं मिली यार या तो बनेगा यहाँ या तो बन सकता है ये हंगार से पूरे मैप में कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा ना ये भी मैं इतना कह रहा हूँ जहाँ पे मार किया वहीं उधर आए इसके आसपास बनेगा अच्छा बंदे हैं क्या नहीं फैक्ट्री जा रहा हूँ मैं ठीक है रुको रुको सबको आने दो निंजा आ जा निंजा वो लूट ले बच्चे भाई अभी भाई मैट कोई दिक्कत नहीं 4:30 बजे सरने की छुट्टी है अच्छा ठीक है सैटरडे को तो बढ़िया है तुम लोगों का तो सेट हो गया मामला एमपी बड़ी है और मेरा इधर तो पक्का एक्टिव सेट है अरे बंदे बंदे निंजे आज जब भी रिलैक्स मत करो बे अपना खत्म 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 और क्या क्या है इनके पास ये मुझको ही किसी को तीन का बैठ के भी तीन का बैठ के ही हां हां निकालो निकालो ये देखो इधर दो दो पड़े हैं तीन तो है ये इस पे ये बबलू एम भी है यहां बैट पे डबल में टू भी होती है बॉल चलिए बॉल चार है मेरे पास ऑलरेडी ब्रोजा किसी को मांगती नहीं मुझे तो तुम उठा ना तुम पे स्किल है ना यहाँ इस कार चलाने में किसी को बस अपग्रेड करने हैं ब्रो कर लो नहीं नहीं कोई नहीं कर लो अरे लॉक कर ही ले जिसके पास दो की हो वो कर ले हमारे पास तीन की हो गई
मेरे को तो आज अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं काम करता हूं। अबे नट भाई उत्तम बचाओ उसको, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कवर दे दिया, मैं लिंक कवर दे दे रहा हूं, मैं दे दिया, फिनिश कर उसको, एक शॉट पड़ा, नॉक ऊपर वाला डाउन है, एक इधर है साइड पे इसके बीच में वॉल पे आउट। हां अबे इधर मेरे आस पास खत्म होल्ड है, होल्ड प्लेयर बहुत प्लेयर सब लोग दो पे खाते हैं आगे। ए बब्लू एम ये निकाल के दूंगा मैं, क्या अरे ये कह रहा हूँ कि उसमें एमो नहीं है, एमो उठ गए मेरे पास अभी। ओके तुम नहीं चला रहे हो, एसडी पड़ी है, चला नहीं, चला लो किसी ने डबल ट्रीटमेंट उठा लो, उठा ले कौन क्यों छोड़ते हो यार पहले पहला जोन क्लोज होने दे, फिर उसके बाद प्रेडिक्शन दी जाती है, जल्दी प्रेडिक्शन थोड़ी दी जाती है कि यहाँ बनेगा भाई, मेरा तो ऐसे मैं तो मतलब मजा नहीं है, इससे प्रेडिक्शन नहीं होती, जो मर्जी हो जाए मारते तो बंदे हैं ना, चाहे लास्ट जोन में आओ। किंग खान आए, शाहरुख खान, एक और है मिट्टू भी, डाले ऊपर 56 है, मैं क्या करूंगा, एक पे उठा लो भाई साहब, बंदे की वॉल मतलब वो बंदे रोते नहीं है हमारी वॉल को, मैं पर शुरू से नहीं, अबे 56 मेरे पास है समझे, 56 है मेरे पास ऑलरेडी, क्या करूं मेरे 14 है अबे, एमो नहीं एमो टू लो, लेनी हमसे ले, हम तो सिंगल चला रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं लगेंगे, अबे ऊपर बंदे ऊपर, नहीं ऊपर ही डायरेक्ट की होता है, नहीं डाउन था, लो और गेम, अबे ऊपर वाला देखो, नीचे वाला देखो यार, ब्लैक आउट नहीं है डायरेक्ट, अरे वहां पे दूसरी और कोई टीम नहीं थी ना, तो अभी पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा पॉइंट, मुझे लग रहा है हम लोग के पॉइंट कम है यार, दो मैच में तेरा तुम्हारे बहुत ज्यादा है, मेरी दोनों टीम से तो, किस ग्रुप में हो, सी में हो कि बी में हो, बी में हो, बी में हो ना, सत्यम बी में है यार, ओके सत्यम बी, बी में हो ना, रो जाओ कल फिर मेरी टीम के यार कम चांस है यार, उसके 20 के 20 ही शायद से होंगे मेरी पूरी टीम, कौन मैं टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेल रहा हूं, मेन इवेंट वाले से मैं गेम खेलने का नहीं है ना, हैं हां मेन इवेंट वाले से हटा नहीं, मेरे मतलब गन स्किन मुझे दिखे ना भले एटीट्यूड ऑफ रहेगा तो मैं चला लूंगा, विदाउट गन तो नहीं खेलता, एट्रिब्यूट ऑफ हो जाए और मेन टीम में डेविड आ रहा है ना, हां मेन टीम में डेविड आ रहा है, एट्रिब्यूट ऑफ हो जाए ना पर के स्किन है तो मैं चला लूंगा, हां वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना साथ में, नहीं नहीं हम लोग ने जब खेले थे FFRC में जो एक ही रिकॉइल कर रही थी मेरी ना ड्रैको भाई, पूछो मत, हाँ इधर आओ, इतनी दूर क्यों जा रहे हो, ओ इधर देखते हैं कोई मिल गया, आज बहुत स्लो आ रही थी, ऐसा क्यों लगा मैं सामने वाले आ रहा हूँ उसमें बंदे, तो रुको जरा सबको आने दो फिर देखो, कोई है ही नहीं, पूरा मैप घूमा है हम लोग, देखो मेरे प्रेडिक्शन क्या ही सही थी,
वॉल लगी है टावर पे, नीचे ही बंदे हो ओपन में। कंफर्म ऑलरेडी, अभी तो नहीं लगता। एक टावर पे था, टावर पे आई सत्यम, ध्यान से लैंड में मरना तो सब ऑलरेडी सब दे। भाई मैं आ गया, हेलो भाई, स्वागत है डेथ क्लिकर एफएफ एंड गेमिंग एफएफ, स्वागत है आपका स्ट्रीम पे। इंसान है गेम में भूल तो गया। और मनुष किधर है पता नहीं। बॉल बॉल होती यहां तो वल्लाह, 10 बॉल तो यहां तो अंबार लगा पड़ा है जेब में। क्या हुआ निंजे साइलेंसर होती वाला बीबी साइलेंसर होती। हाँ तो इधर मारा निशान, चलो आओ निकला जाओ और आगे निकले थे, देखते 14 बचे हैं, देखते हैं कितने मार पाते हैं। 11 मेरे पास है, पकड़ लो यार निंजे। इधर आ निशान, बॉल चाहिए थर्ड से, अच्छा बॉल है इस बॉल में बहुत सारी है। हां जल्दी आ जल्दी आ, जोन जोन शिफ्ट मारा है। सब बॉल ठीक करो यार, देखते हैं कितनी बॉल होती है। अबे 11 मेरे पास 22 उसके पास, कितनी है नहीं अब तक नहीं देखते यार। काउंट कर लो ना, ऐसे ही काउंट कर लो ना। अरे मेरे पास बड़ी एक साथ दिखेगी ना तब मजा आएगा। 20 उसके पास, 11 मेरे पास, इंजे बार भी कम नहीं होंगे हम पता है। 55 बॉल हो गए, 55-60 बॉल है अपने पास। तुम चाहिए है मनु जिया दियो, तू चाहिए मन। चल 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 चलो यार, देखा मेरी जोन प्रेडिक्शन का कमाल। हाँ बेटा लास्ट जून वेस्ट अप है, किसी का वेस्ट डैमेज है तो अपग्रेड कर लो। डैमेज नहीं पर चार कैम कीटा कीटा करते हैं, अगर की कुछ जो कर तो बता दो। चार कैम कर रहे ना अपन, नहीं ना करूंगा कट कर दे ये टावर पे। चार बंदे हैं जो टावर पकड़ लेते जोन के सेंटर। नहीं टावर नहीं पकड़ना, टावर हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। यहाँ से फाइट लेना इजी, आपको ज्यादा एक्सेस मिलता है फाइट लेने का। चार बंदे टावर पर रहेंगे, फाइट भी नहीं कर पाओगे। कोई दिख जा बे, ध्यान से उधर मेरे वो है कमेंट ड्रॉप ड्रॉप पे जा रहा है। ड्रॉप पे उधर से चल जा रहा है, इसको बॉल दे। ए चल 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 दोन चल दोन चल दोन चल दोन चल रोल दोन चल अरे यार आओ ना, एक दोन आओ। क्या कर रहे हो निशान, इधर आओ। हम जोन पहुंच गए, सामने वाले टावर पे बंदे हैं। ओ टॉयलेट टावर में बंदे, अबे तेरे वॉल का बंदा रहा है अंडे ले, अबे उठा वॉल, अरे बंदे आ गए। दो डाउन है, ऑल डेड। टावर पे एक है, एक ही है ना।
सामने वाले ऊपर अगर एंगल मिलता है तो एक और है फुल स्क्वाड ऊपर एक बार ध्यान ध्यान पूरे स्क्वाड पहले ग्रेड फिट थे ग्रेड फिट थे ऐसे मत पहले ग्रेड फिट थे लैंडमन वगैरह देख ही लिए लैंडमन देख के था चल लो अब दोनों कौन चल ओपी अबे यूएम लैग बंदे कहाँ का बंदे एक ही बंदा अच्छा है एक या दो और से मेरी हो जाएगी छह सौ 800 स्कोर हो गया ठीक है।